हेलो ऑल राइट गुड इवनिंग टू एवरीवन तो कैसे हैं आप लोग बढ़िया चलिए uh, आज हमारा नया टॉपिक शुरू होने वाला है और टॉपिक रहेगा एएस पर एएस फोर आपको सामने बोर्ड पे दिख रहा होगा आ, इंडेक्स आपके ट्रम बुक में से दिख रहा होगा ये इंडेक्स मैं पहले आपको बता देता हूँ कि हमारे एडवांस अकाउंट्स में कौन कौन से ए एस अप्लीकेबल हैं और फिर हम आज ए एस जो शुरू करेंगे उस पर चलेंगे ठीक है हम हमारे एडवांस अकाउंट्स में जो ए एस का वेटेज रहता है वो ट्वेंटी फाइव से थर्टी मार्क्स का वेटेज एक्सपेक्ट करके चलते हैं एडवांस अकाउंट्स में 25 से 30 मार्क्स का एएस का वेटेज हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं एडवांस अकाउंट्स के पेपर में जो क्वेश्चन नंबर वन बनता है 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन नंबर वन बनता है जैसे आपके अकाउंट्स का क्वेश्चन नंबर वन बनता है आपने अगर पेपर कभी देखा हो तो तो जो क्वेश्चन नंबर वन बनता है जिसमें चार क्वेश्चंस होते हैं ए बी सी डी चारों क्वेश्चंस ए एस के रहते हैं 99 परसेंट चारों हैं पांच पांच मार्क्स के तो 20 मार्क्स तो ए एस यहीं पे कवर हो गया ऑल राइट ट्वेंटी मार्क्स का ए एस तो आपका यहीं पे कवर हो जाता है फिर जो लास्ट क्वेश्चन आता है सबसे लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको ध्यान होगा अगर आपने कभी देखा हो पेपर का फॉर्मेट क्वेश्चन नंबर सिक्स में भी ए बी सी और डी सी या डी में से कोई एक करो या ए बी सी डी में से तीन करो ए बी सी डी ई में से चार करो ऐसे होता है ऑप्शन होता है इंटरनल उसमें भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दो क्वेश्चन लगभग लगभग ए एस के रहते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर वन ए एस का रहता है और क्वेश्चन नंबर सिक्स में भी ए एस पूछा जाता है तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर टू से लेकर क्वेश्चन नंबर फाइव तक ए एस नहीं रहता या यूं कहें कि AS रहता है पर अपन उसको एस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ते एक होता है अमेलगमेशन करके चैप्टर आपका नाम सुना है कभी अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज करके नाम सुना है दिस चैप्टर आल्सो इज गवर्न बाय एस फोर्टीन ए एस फोर्टीन है तो ये जो चैप्टर है ए एस फोर्टीन का इसको मैंने अपनी ट्रम्प बुक में कवर नहीं किया क्योंकि ये चैप्टर इतना बड़ा है और इसके ऊपर इतने सारे हैं कि इसको मैंने नॉर्मल अपनी वर्क बुक में कवर कर दिया जो है जो हमारी मेन क्लास वर्क बुक है ना उसमें कवर कर दिया है वो भी ए एस के थ्रू ही जो भी उसमें पढ़ते सब ए एस में लिखा हुआ है और उसका पे, उसका क्वेश्चन अगर आया तो आप जानते हो कि इसका क्वेश्चन आता है 12 से 16 मार्क्स का तो जो मैं आपको 25 से 30 मार्क्स कह रहा हूं उसमें अमेलगमिशन शामिल नहीं है अगर आप अमेलगमिशन शामिल कर दोगे तो आपका ए का पेपर बन जाता है लगभग लगभग फोर्टी फाइव मार्क्स का विथ अमेलगमिशन आप ये मान लीजिए कि आपका पेपर बन जाता है लगभग फोर्टी से फोर्टी फाइव मार्क्स का ऑल राइट right. और यह अच्छा खासा ह्यूज है सौ मार्क्स के पेपर में अगर चालीस मार्क्स भी अगर अपने ए के आते हैं तो दैट मीन्स हमें एस पर ध्यान देना पड़ेगा दूसरी चीज कुछ एस ऐसे रहने वाले हैं जो थियरिटिकल लगेंगे आपको उसमें आपको कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ेगा कुछ भी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा वो केस स्टडी टाइप लग सकते हैं आपको कि कोई आपको उसने एक पर्टिकुलर केस दे दिया और आपको बेस्ड ऑन द फैक्ट्स बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ रिस्पेक्टिव एएस आपको आंसर करना है जैसे आमतौर पर आप लॉ में आंसर लिखते हो लॉ में आंसर लिखते हो, वैसे आपको ए एस में आंसर लिखना होता है और कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जहां प्योर प्रैक्टिकल है जहां कोई भी थ्योरी एक्सपेक्टेड नहीं है पेपर में क्वेश्चन आया आपको एक भी थ्योरी नहीं लिखना एक लाइन की भी थ्योरी नहीं लिखना डायरेक्ट सॉल्व करना है तो कुछ प्रैक्टिकल है कुछ थ्योरी है एग्जाम में मैंने जितना ट्रेंड देखा है पिछले दस पंद्रह अटेम्प्ट का मैं ये कह सकता हूं कि इंस्टीट्यूट हमेशा बैलेंस करके चलता है सारा एस वो प्रैक्टिकल नहीं पूछेगा सारा एस थ्योरी नहीं पूछेगा इंस्टीट्यूट बैलेंस करके चलता है कि कुछ क्वेश्चंस वो थ्योरी केस स्टडी थियोरिटिकल डाल दे और कुछ क्वेश्चन वो प्रैक्टिकल डाल दे वो बैलेंस करके चलता है ऑल right? कौन कौन से एस अपने सिलेबस में है एस फोर

कैलकुलेशन इसमें नहीं है इसमें थ्योरी थ्योरी वाला पॉइंट है यहां पर ए एस सेवन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मोर ओवर प्रैक्टिकल है ये थ्योरिटिकल कम है केस स्टडीज हैं, बट कम है प्रैक्टिकल इसमें से ज्यादा एक्सपेक्टेड होता है ए एस नाइन थियरी केस स्टडीज थियरी वाला ए एस सेवनटीन मिक्सड हाइब्रिड प्रैक्टिकल भी थ्योरी भी पर ज्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर आप जब ये स्टैंडर्ड पढ़ोगे ना आपको बहुत मजा आएगा रिलेटेड पार्टी आप आप इसमें खुद इन्वॉल्व हो जाओगे आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि आपने इनकम टैक्स में रिलेटेड रिलेटिव की डेफिनेशन पढ़ी होगी लॉ में भी थी क्या कंपनीज एक्ट में रिलेटिव करके थी ऑलराइट right. वैसे ही रिलेटेड पार्टी डिस्कलोजर इस चैप्टर में भी रिलेटिव की डेफिनेशन है और इसमें कई प्रकार के अलग अलग रिलेट रिलेशनशिप डिस्क्राइब किए गए हैं रिलेशनशिप डिस्क्राइब किए गए हंसो मत मतलब कौन से रिलेशनशिप अलग अलग टाइप के मतलब बिजनेस के सेंस में रिलेशनशिप वो हंस रहा है वो बोल रहा है सर कौन से रिलेशनशिप है ना कोई ऐसे वैसे रिलेशनशिप नहीं भाई बिजनेस के सेंस में रिलेशनशिप आपके डिस्क्राइब किए गए हैं तो वो बहुत आपको लिटरली बता रहा हूं आप बहुत ज्यादा इसमें एंगेज हो जाओगे सर इसमें ये हुआ तो क्या होगा इसमें वो होगा तो क्या होगा सर इसके पार्टी के साथ उस पार्टी का रिलेशन है तो सर फिर डिस्कलोजर का क्या होगा आपको बहुत मजा आने वाला है एस में बट थ्योरी है एस नाइनटीन लीजेस फुल ऑन प्रैक्टिकल ट्वेंटी फुल ऑन प्रैक्टिकल अर्निंग्स पर शेयर अर्निंग्स पर शेयर की और लीजेस की मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा ग्रुप टू में आपका एक सब्जेक्ट है एफएम है ये दोनों टॉपिक आपके एफ से कनेक्टेड है लीजेस आपका कनेक्टेड है कहीं कही ना कहीं आपके कैपिटल बजटिंग टॉपिक से शायद आपने अभी तक नाम ना सुना हो या सिर्फ नाम ही सुना हो और पढ़ा ना हो एफएम में आपका एक चैप्टर होगा कैपिटल बजटिंग और कुछ समथिंग कुछ डिसीजंस करके कुछ चैप्टर है आई डोंट नो आई डोंट रिमेम्बर द नेम ये उससे कनेक्टेड थोड़ा बहुत आपको वैसा लगेगा Earnings per share. FM में आपको आपका FM का टीचर EPS निकालना सिखाता है शायद अभी तक सिखा दिया होगा अगर आपका एफ शुरू हो गया होगा तो और अगर मैं जस्ट ऐसे बता रहा हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग भी चल रही है तो जो वीडियो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं वो उनके टीचर्स अलग अलग हो सकते हैं मतलब हर किसी का अपना अपना टीचर हो सकता है ना सो so, अगर उन्होंने एफ पढ़ा होगा तो उन्होंने कहीं ना कहीं अर्निंग पर शेयर के बारे में जरूर पढ़ा होगा तो हम यहां पर भी पढ़ेंगे पर जो एफ एम एस सिखाया जाता है और जो यहां सिखाया जाता है उसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है फुल ऑन प्रैक्टिकल मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक अगर मुझसे कोई पूछे कि यार पूरे सीए इंटर के ग्रुप वन ग्रुप टू के सिलेबस में कौन सा फेवरेट ए एस है मैं बोलूंगा मेरा फेवरेट ए एस है अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस और इनकम क्योंकि यहां पर टैक्स आ जाता है आपने आज तक टैक्सेशन पढ़ा है टैक्स के प्रोविजंस पढ़े हैं बट आपको अकाउंट्स में मैं सिखाऊंगा कि टैक्स की अकाउंटिंग कैसे होती है आपने टैक्स की अकाउंटिंग नहीं सीखी और टैक्स की जो रियल अकाउंटिंग होती है उसको सिखाया जाता है आपको एएस 22 में फुल ऑन प्रैक्टिकल टॉपिक है और बहुत जबरदस्त है ये आपको आर्टिकलशिप में बहुत काम आएगा एएस 22 आपको आर्टिकलशिप में बहुत काम आएगा एएस 24 बहुत ही छोटा सा टॉपिक है थ्योरेटिकल है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन करके आपको याद है आपको मतलब जितने बच्चों ने मेरी एग्जिस्टिंग क्लास डे वन से लगाई है मैं उनसे बात कर रहा हूं या जिन बच्चों ने मेरा बैकअप देख लिया है फर्स्ट और सेकंड लेक्चर का शेड्यूल थ्री का मैं उनसे बात कर रहा हूं अगर आपको याद हो आपको याद है जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम पढ़ रहे थे सबके चेहरे नीचे हो गए जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ रहे थे तो प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन करके आया था याद आ रहा है कि नहीं और प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशन के बारे में हम सब कुछ दिखाते हैं और फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का हम उसका अलग से दिखाते हैं याद है मैंने कुछ इसका डिस्कशन किया था और साइड में लिखवाया था ए एस ट्वेंटी तो ये वो है थियोरिटिकल इंटेंजेबल असेट्स थ्योरी प्रैक्टिकल ऑफ मिक्स प्रोविजन कॉन्टिजेंट लाइब्रेटीज एंड कॉन्टिनेंट असेट्स थ्योरी तो अब आपको समझ में आएगा कितने टॉपिक्स हैं बारह

E कर लिया अब मैंने आपको बोला कि आप हाँ यार, यार, अब अपन ना आप ए एस करेंगे मुझे लगा नहीं यार, वापस से मुझे करवाना है मैं आपको वापस से बीच बीच में ए एस का हम आ, फ्लेवर देते रहेंगे ठीक है अभी अच्छा अब हम क्योंकि आज फर्स्ट क्लास शुरू कर रहे हैं तो मैं सबको अनाउंस कर दू जो बैच ये रिकॉर्डेड बैच भी बच्चे देखेंगे आगे चल के हमें ए एस का एक सेपरेट कॉपी बनाना है ठीक है ए एस का एक सेपरेट कॉपी बनना चाहिए और वो अच्छा कॉपी बनना चाहिए आपका अच्छी क्वालिटी का कॉपी बनना चाहिए ठीक है ना ऐसा एरा गेरा रजिस्टर मत लेके आना बिल्कुल जो रफ टाइप का रजिस्टर होता है वैसा मत रखना अच्छा रजिस्टर रखना क्योंकि आई मस्ट से कि आपको ये रजिस्टर आपको सी ए फाइनल तक काम आएगा आगे चल के आपको ये बहुत काम आएगा ठीक है और ये रजिस्टर घुमाना मत और जो इसके साथ आपको बुक दी गई है वो भी आप किसी और को इस अपने जूनियर को कभी देना मत एएस वाली कॉपी अपनी जो बनेगी

जबकि आपसे आपकी बुक में ही रेफर करवाऊंगा तो मार्कर भी अपना रेडी रखिएगा अगली क्लास से भी चलेगा आपकी ट्रम बुक में अगर आपके पास मार्कर हो तो ज्यादा अच्छा है ठीक है और जहां जहां लिखना होगा तो मैं वहां आपको बोलूंगा कि ना इस पैराग्राफ के साइड में लिख लो छोटा सा कॉपी तो इसीलिए है कि अगर कुछ बड़े पैराग्राफ लिखवाने पड़े वो और क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े वो इसीलिए वो कॉपी है ठीक है चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक ए एस फोर हम स्टार्ट कर रहे हैं ए एस फोर कोशिश हमने केस ऐसे की है मैंने ट्रम्प बुक को जिस तरीके से डिजाइन किया है कोशिश हमने यहां की है आप अगर कलर्स देखेंगे तो जहां मुझे कहीं ऐसा लगा कि यार बोल्ड करना जरूरी है ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इस वर्ड को मुझे बोल्ड करना है वहां मैंने ऑलरेडी उसको एक सेपरेट कलर में बोल्ड कर दिया है ये कौन सा कलर है ये वाला कलर जहां मुझे लगा कि यार किसी पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट को मुझे अंडरलाइन करवाना है है बहुत जरूरी तो मैंने उसको अंडरलाइन करवाया है किसी दूसरे कलर में कौन सा कलर है रेड है है क्या है पिंक क्या मैं आपसे सच्ची बताऊं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे कलर ब्लाइंडनेस है म, मैं मैं फैक्ट बता रहा हूं मुझे कलर्स पहचानना नहीं आते मुझे मेरी जिंदगी के तीन या चार कलर पता रहते हैं बिल्कुल ही बेसिक व्हाइट ब्लैक ठीक है येलो और वो भी येलो में अगर अलग अलग शेड आ गए तो मैं बुलझ जाऊंगा कि वो कौन सा येलो है जैसे मैं मानता हूं कि वो लड़का हुडी पहने हुआ है वो येलो कलर का होगा ठीक है तो व्हाइट ब्लैक नॉर्मल सा रेड ब्लू और अगर ये सब जितने भी कलर होते हैं जो मजेंटा पता मैं नाम पता है पर मुझे मैं रिकोगनाइज नहीं कर पा रहा हूं आई हैव अंड्रेड परसेंट कलर ब्लाइंडनेस मुझे नहीं समझ आता कलर के बारे में बचपन से मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता मेरे साथ ऐसा है प्रॉब्लम है मेरे साथ तभी पूछ रहा हूँ मैं मैं जब अपने नोट्स बनवाता हूँ अपनी टीम से तो मैं कैसे बनवाता हूँ मैं उनको बोलता हूँ सिस्टम पे मेरे साथ बैठ मुझे कलर्स दिखा सामने नाम मत बोलना हाँ ये अच्छा लग रहा है ये डाल दे बस मैं ऐसे उसको बोलता हूँ ये मेरे को अच्छा लग रहा है ये कलर अच्छा लग रहा है ये बोल्ड कर दे इस कलर से अंडरलाइन कर दे इस कलर से ब्लैक कर दे व्हाइट कर दे ऐसे कर दे तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम है थोड़ा सा किसी को है कलर ब्लाइंडनेस सुना है कभी आपने हा? कोई बड़ी बात नहीं है बहुत लोगों को होता है बहुत लोगों को होता है चलो तो जहां जहां बोल्ड करना जरूरी था किसी वर्ड वर्ड को को मैंने उस वर्ड को अलग किसी कलर से बोल्ड किया है ये कलर जो भी हो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा अगर आप मुझसे पूछो कि ये कलर कौन सा है तो मैं बोलूंगा कि ये रेड दिख रहा है मुझे ये रेड टाइप का या ऑरेंज टाइप का दिख रहा है मुझे ऐसा कुछ ठीक है तो जहां जहां मुझे लगा कि अंडरलाइन की जरूरत है तो मैंने वहां डिफरेंट दिया है नॉर्मल नॉर्मल जहां अंडरलाइन भी नहीं है जहां ब्लू भी नहीं है जो कलर दिख रहा है वो नॉर्मल स्टेटमेंट है बाकी बोल्ड और अंडरलाइन अलग अलग से एग्जाम्पल्स आपको सारे ब्लैक कलर से दिखेंगे ये तो ब्लैक है इतना मुझे पता है कलर ब्लाइंडनेस में मुझे एक्सेप्शन है कि ब्लैक पता रहता है मुझे तो एग्जाम्पल्स आपको सबके सब ब्लैक से ही दिखेंगे ऑलराइट राइट जो चीजें जरूरी हैं टेबल के अंदर लाने में ताकि वो आ, उसका कुछ अलग प्रेजेंटेशन मुझे करना था कुछ इंपॉर्टेंट बताना था तो मैंने उसको टेबल के अंदर डाला है ठीक है चलिए टाइम और राइट विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम स्टार्ट करते हैं अब हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे आ, जिन बच्चों के पास कॉपी नहीं है कोई बात नहीं घर जाके कॉपी बना लीजिएगा फिलहाल और जिनके पास कॉपी है फिलहाल आप अपने कॉपी के फर्स्ट पे फर्स्ट दो पेजेस फर्स्ट दो पेजेस खाली छोड़ेंगे खाली कैसे छोड़ते हैं वो आपको रोशन बताएगा खाली छोड़ने की टेक्निक पेजेस तो आपको ये आदमी बताएगा कि कितने पेजे कैसे खाली छोड़ते है ना पंद्रह पेजेस हो गए कंप्लीट तेरे अच्छा दो पेजेस खाली क्यों छोड़ने आप उस पेज पे हेडिंग लिखें नेम्स एंड नंबर ऑफ <S. हम एस AS को एस वन से लेकर एस ट्वेंटी तक रोज क्लास में उसके felt, नेम एंड नंबर रटेंगे क्योंकि व्हाट आई फेल्ट सीए इंटर के स्टूडेंट को एस के नेम्स एंड नंबर्स याद ही नहीं रहते कभी भी तो हम क्या करेंगे स्टार्टिंग क्या एक पेज भी छोड़ सकते हो जरूरी नहीं कि दो पेजेस वन से लेकर ट्वेंटी नाइन की जितनी सीरीज है हम रोज तीन तीन एस लिखेंगे और उनको रोज रिपीट करेंगे क्यूमुलेटिव बेसिस पर रिपीट करेंगे ऑल राइट right? और ये प्रैक्टिस आपके साथ मैं भी करूंगा अभी तो चलिए सीरियल नंबर एएस एस नंबर एस नेम ग्रुप एस वन भले हम ग्रुप ग्रुप टू के एस पढ़ रहे हैं पर हम सीरीज पूरी पूरी लिखेंगे हम याद रखेंगे अपने अपने को याद होने चाहिए सारे एस के नेम्स एंड नंबर्स एस वन डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीस एस वन का नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन से ग्रुप में आता है ये ग्रुप वन में आता है ये ठीक है ए एस वन डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एस वन डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एस टू एस टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज कौन से ग्रुप में आता है ये ये भी वन में आता है ये भी वन में आता है एस थ्री कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट ये भी ग्रुप वन में आता है तो आज के तीन एएस एस ये आप ना मुझे याद दिलाएंगे मैं कभी कभार हो सकता है भूल जाऊं नंबरिंग की बात करना कभी क्लास में तो आप याद दिलाएंगे ठीक है चलिए ए एस वन टू थ्री चलिए मेरे साथ नाम बोलना शुरू करिए सबसे पहले ए एस वन डिस्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी ए एस टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज एस थ्री कैश फ्लो स्टेट ठीक है ना शुरू के ये तीन AS. तो ये तीन तो पेज मैं छोड़ देता हूं ये पेज हम पूरा इस पे सारे ए एस अपने आ जाएंगे आप भी छोड़ दीजिए ठीक है ना आगे पीछे भी चलेगा ठीक है चलिए अब वो पेज छोड़ने के बाद नए पेज पर आप ए एस फोर का हेडिंग दे दीजिए ए एस फोर सर ये AS4 के साइड में रिवाइज करके वर्ड क्यों लिखा है क्योंकि इस AS4 को बीच में कभी रिवाइज किया गया था अमेंड किया गया था एस फोर को किया गया था, इसीलिए ब्रैकेट में आ जाता है रिवाइज कभी भी किसी ए एस के साइड में अगर रिवाइज वर्ड लिखा है मतलब ये में हो चुके है, बीच में. इस में बड़े सारे चेंजेस हो चुके हैं ठीक है एस फोर का नाम है कॉन्टेजेंसी एंड इवेंट्स करिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट कॉन्टिंजेंसी एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट आपको सामने इंडेक्स दिखेगा हर ए एस के सामने आपको एक इंडेक्स दिखेगा कि इस ए एस में कौन कौन से टॉपिक्स कवर हैं और वो टॉपिक्स किस किस पेज नंबर पर आपको मिलेंगे

एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट तो इस एस फोर में कायदे से दो चीजें डील होनी चाहिए कॉन्टेंजेंसी के बारे में बात होनी चाहिए कॉन्टेंजेंसी क्या होता है वो मैं अभी नहीं बता रहा हूं के, मैं नाम के अंदर दो चीजें जली हुई है मैं पहले उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं कॉन्टेंजेंसी के बारे में डिस्कस होना चाहिए और दूसरा इवेंट्स के बारे में डिस्कस होना चाहिए पर जब यह एस फोर बनाया गया था उस टाइम पे एस ट्वेंटी था नहीं जैसे ही एस ट्वेंटी नाइन को ड्राफ्ट कर दिया गया तो जितनी भी कॉन्टेजेंसी के रिगार्डिंग बातें थी वो सब शिफ्ट कर दी गई ए एस ट्वेंटी मतलब वो AS4 से गायब हो गई एस फोर से निकाल के निकाल के फेंक दी गई तो अब ए एस फोर के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें डिस्कशन करना है इवेंट्स के बारे में इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट के बारे में तो यहां पर यह वही लिखा हुआ है कि जब से एस ट्वेंटी नाइन लागू हुआ है तब से लेकर कॉन्टेन्जेंसी का जितना भी स्कोप है वो ए एस ट्वेंटी नाइन में कवर होता है ए एस फोर सिर्फ और सिर्फ बात करता है इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट के बारे में ऑल राइट यहां तक क्लियर चलिए अब यहां से अपना शुरू हो रहा है एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी यहां से अपना प्रॉपरली स्टार्ट हो रहा है कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब ड्राफ्ट किया जाता है किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को जब ड्राफ्ट किया जाता है तो जो ड्राफ्ट करने वाले जो लोग होते हैं जो बैठे होते मीटिंग होती है तो सबसे पहले यह तय होता है कि ये एस कौन सी एंटिटीज के ऊपर एप्लीकेबल करवाया जाए और कौन सी एंटिटीज के ऊपर एप्लीकेबल ना करवाया जाए सबसे पहले यह डिसाइड होता है आप देखेंगे जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं मैक्सिमम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में सबसे पहला पॉइंट एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी वाला पॉइंट होता है कि भाई ये स्टैंडर्ड इनके ऊपर एप्लीकेबल है कि नहीं वैसे ही एस फोर के बारे में बोला गया है कि ए एस फोर इन तीन जगह पर एप्लीकेबल नहीं होगा वो तीन जगह कौन सी हैं? सबसे पहला लाइबिलिटीज ऑफ लाइफ एश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनीज लाइफ एश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज है, उनके ऊपर रेगुलेट uh, कौन करता है फुल फॉर्म वेरी गुड इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आई जैसे बैंक के ऊपर रेगुलेट कौन करता है आरबीआई बैंक के ऊपर रेगुलेट कौन करता है तो आरबीआई के कई सारे प्रोविजन बैंकिंग कंपनीज के ऊपर लगते हैं ठीक है वैसे ही इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर रेगुलेशन अथॉरिटी कौन है आईआरडीए उनका अंडरस्टूड और नॉट ये जो ए एस फोर हम पढ़ रहे हैं मैं पहले आपको अब इस ए एस फोर के बारे में थोड़ा सा पहले ओवरव्यू बता देता हूं बेटा दुनिया में जितने भी प्रोविजंस क्रिएट होते हैं हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितने भी प्रोविजंस क्रिएट करते हैं प्रोविजंस हमेशा दो टाइप के होते हैं प्रोविजंस दो टाइप के होते हैं एक ऐसे प्रोविजन होते हैं जहां कुछ आउटफ्लो होने वाला है और मैं पहले से ही आज प्रोविजन बना रहा हूं कि यार मुझे पे करना पड़ेगा कुछ आउटफ्लो होने वाला है और आज मैं पहले से ही एक लाइब्रेरी क्रिएट कर रहा हूं पहले टाइप के प्रोविजन ऐसे होते हैं जहां आपका पैसे का कुछ आउटफ्लो होने वाला है आपका कोई काइंड में आउटफ्लो होने वाला है और आप आज उसको क्रिएट कर रहे हो अपनी बुक्स में इन शॉर्ट प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आउटफ्लो होने वाला है जैसे प्रोविजन फॉर सैलरी सैलरी पेबल आप में से अगर कोई एग्जाम्पल देना चाहे तो क्या देगा बताइए दूसरा प्रोविजन फॉर इनकम सुना होगा ना नाम इनकम का प्रोविजन आउटफ्लो होने वाला है कि नहीं बोलिए बेटा बिल्कुल आउटफ्लो होने वाला है प्रोविजन फॉर सैलरी आउटफ्लो होने वाला है कि नहीं होने वाला है कि नहीं सैलरी पे करना पड़ेगा हाँ और कोई बोल है.

आउटस्टैंडिंग so एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं जहां हमें कैश का आउटफ्लो एक्सपेक्टेड है वो एक टाइप का प्रोविजन होता है बोलो यस और नो अब दूसरे टाइप के प्रोविजन दूसरे टाइप के प्रोविजन कुछ ऐसे प्रोविजन होते हैं जहां आउटफ्लो कभी नहीं होगा जबकि इनफ्लो मिलने में दिक्कत होने वाली है मुझे शायद पूरा पैसा ना मिल पाए करेक्ट वेरी गुड मतलब कुछ प्रोविजन होते हैं जो लाइबिलिटी के नेचर के होते हैं और कुछ प्रोविजन होते हैं जो असेट से बनाए जाते हैं जो असेट को देखकर बनाए जाते हैं जैसे डेटर्स को देखकर क्या बनाते हो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट प्रोविजन फॉर डेप्रीजिएशन किसके ऊपर बनता है मशीन और फिक्स असेट के ऊपर बोलिए बेटा क्या डेप्रीजिएशन प्रोविजन में कुछ आपका आउटफ्लो हो रहा है क्या कुछ आउटफ्लो नहीं हो रहा है पर वो असेट के अगेंस्ट बन रहा है तो दो टाइप के प्रोविजन होते हैं एक ऐसे प्रोविजन जो लाइबिलिटी नेचर के होते हैं जहां आपकी कैश ऑब्लिगेशन होती है और एक ऐसे प्रोविजन होते हैं जो असेट के अगेंस्ट बनते हैं जैसे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एस फोर टॉक्स अबाउट एस फोर बात करता है मेजरली एस फोर मेजरली बात करता है जो प्रोविजन बनाए जाएंगे असेट के अगेंस्ट किसके अगेंस्ट असेट के अगेंस्ट अंडरस्टूड और नॉट और एस नाइन एस सॉरी नाइन ट्वेंटी नाइन नाइन बोल दिया मैंने गलती से एस ट्वेंटी नाइन जिसका नाम है प्रोविजंस कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कॉन्टिनेट असैट दैट एस विल टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन रिलेटिंग टू कैश मतलब लाइबिलिटी बेस्ड प्रोविजन आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं बोलिए बेटा क्लियर है अच्छा एक और बात अभी मैंने फोर का मैं आपको इंट्रो दे रहा हूं ए एस फोर किस बारे में है एक तो ये हो गया ठीक है दूसरा आम पर क्या होता है अच्छा मुझे ये बताइए हमारे इंडिया में ईयर एंड कब होता है हा? हमारे इंडिया में ईयर एंड होता है थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च को ठीक है अच्छा लॉ सबने पढ़ा होगा मान के चल रहा हूं ठीक है ना थोड़ा बहुत सबके बारे सबको लॉ के बारे में पता होगा आप मुझे यह बताओ कि एजीएम कब होता है सिक्स मंथ्स के अंदर अंदर एजीएम होता है सिक्स मंथ्स के अंदर अंदर तो मुझे बताइए थर्टी फर्स्ट मार्च से सिक्स मंथ्स कब होते हैं खत्म थर्टीएथ सितंबर एजीएम में कौन से uh, क्या क्या चीजें होती है एजीएम में क्या क्या बिजनेस रेजोल्यूशन वगैरह लिए जाते हैं क्या क्या होता है एजीएम में क्या 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 काम किया जाता है एजीएम में क्या क्या होता है means, एक तो ऑडिटर हो गया एक तो डायरेक्टर हो गया ये दो लोग हो गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाँ मैं फाइनेंशियल वाली बात कर रहा हूँ सभी लोग बताएंगे एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग कुछ होता है क्या क्या होता है अप्रूव किया जाता है कोई और वर्ड था अप्रूव करके वर्ड शायद एग्जैक्ट आप नहीं बोल रहे हो क्या रिजोल्यूशन पास होता है यू गाइस कैन गूगल ऑल्सो आर यू आर फ्री टू गूगल एडॉप्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ले डाउन किया जाता है और एजीएम में शेयर होल्डर्स उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडॉप्ट करते हैं अप्रूव नहीं करते आप जानते हो क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एजीएम में ऑलरेडी अप्रूव होके आ चुके हैं बोर्ड मीटिंग से एजीएम से जस्ट पहले बोर्ड मीटिंग रखी जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को शेयर होल्डर्स एजीएम में अप्रूव नहीं करते अप्रूव तो डायरेक्टर्स कर चुके होते हैं बोर्ड मीटिंग में एजीएम से पहले एजीएम में उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ले डाउन किया जाता है शेयर होल्डर्स के सामने रखा जाता है कि लीजिए मुंह पे मारा जाता है ले कर इसको एक्सेप्ट जो है तेरे है तेरे सामने ये कच्चा कंपनी का लेडाउन मतलब ले, सीधी बात है अगर सिंपल अलग लैंग्वेज अलग्वेज मुंह पे मारा जाता है ले अब तू जो करना ये है ये तेरे सामने कंपनी की पोजिशन है अंडरस्टूड और नॉट और उसको वो लोग एक्सेप्ट करते हैं एज इट इज ओके दिस इज द थिंग they are not going to approve that financial statement shareholders approve कभी नहीं करते वो एक्सेप्ट करते वो अडॉप्ट करते एंड बेस्ड ऑन दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कभी youtube पर जाके सर्च करना कि किसी बड़ी कंपनी की एजीएम कैसे होती है अगर आपने कभी आपको कभी अगर दिखाई गई हो क्लासेस वगैरह में लॉ की क्लासेस में या कभी ऐसा कुछ हुआ हो तो ठीक है अदरवाइज आप सर्च करना पहले के जमाने में बहुत पहले तो एजीएम जैसे जब होती थी तो शेयर होल्डर्स लोग तो जो भी आता था सामने ऐसे दे मारते थे द थिंग इज की दे आर गोइंग टू आस्क एनी थिंग अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि, कि तू ने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे मुंह पे मारे ना आप तेरी ऐसी तैसी हम तेरे को बताएंगे इसका हिसाब दे क्या है ये क्या है क्या किया तूने इसका ये असेट दिख रही है क्या पैसा गया इधर का क्या गया डायरेक्टर्स आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट उनको हर एक जवाब हर एक क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है एनी हम थोड़ा सा आउट ऑफ द कंटेक्ट जा रहे हैं मैं वापस आ रहा हूँ थर्टी मार्च को हमारे फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च के बाद हमारा 30th सितंबर तक हमारी एजीएम होनी होती है मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं अब मान लीजिए एजीएम यहां पर होनी है सपोज एजीएम यही हुई सचमुच में यही हुई पर एजीएम से जस्ट पहले एजीएम से जस्ट पहले मान लीजिए बोर्ड मीटिंग हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग हुई मान लो वो हुई 1 सितंबर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करते हैं मतलब रियल में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट थर्टी फर्स्ट मार्च के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अप्रैल मई के टाइम पे ऑडिट हो चुका होगा हो चुका होगा कि नहीं हो चुका होगा जल्दी बोलिए अरे बोलो रे थर्टी फर्स्ट मार्च के बाद इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अप्रैल मई जून में ऑडिट हो चुका होगा मैक्सिमम बड़ी बड़ी कंपनीज मई तक ऑडिट करवा लेती है बड़ी बड़ी कंपनीज की बात कर रहा हूँ मल्टीनेशनल कंपनीज की बात कर रहा हूँ तो अप्रैल मई तक उनका ऑडिट हो चुका होता है अंडरस्टूड नॉट ऑडिट हो चुका होता है तो मैक्सिमम मतलब सब चीजें हो चुकी होती है बट फिर भी टाइम दिया गया कि बोर्ड मीटिंग बोर्ड मीटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनली अप्रूव किया जाता है आ रही है मेरी बात समझ कि नहीं अप्रूव करने से पहले पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं कि भाई थर्टी फर्स्ट मार्च के बाद कोई ऐसा इवेंट तो नहीं हुआ जिस इवेंट के कारण जिस इवेंट के कारण ओ मैडम थर्टी मार्च के बाद कोई ऐसा इवेंट तो नहीं हो गया जिस इवेंट के कारण जो बैलेंस शीट में असेट्स दिख रही हैं या लाइबिलिटीज दिख रही हैं 31 मार्च की बैलेंस शीट में अट दिख रही है या लाइब्रेटी दिख, दिख, दिख रही है उस अट की वैल्यू गिर रही हो या लाइब्रेटी की वैल्यू बढ़ रही हो कोई ऐसा इवेंट तो नहीं हुआ 31 मार्च के बाद वो जिस इवेंट के कारण बैलेंस शीट में दिखाई गई असेट लाइब्रेटी पर असर पड़ रहा है एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं ऐसा नहीं समझ में आएगा आपको आपकी थर्टी फर्स्ट मार्च की बैलेंस शीट में आपकी थर्टी फर्स्ट मार्च की बैलेंस शीट में डेटर्स दिख रहे हैं थर्टी फर्स्ट मार्च की बैलेंस शीट में डेटर्स दिख रहे हैं फिफ्टी करोड़ इसका मतलब क्या होता है पचास करोड़ आने वाले हैं ये किस दिन की पोजीशन है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यही वाली फाइनेंशियल यही बैलेंस शीट आपकी अप्रूव कब हो रही है कब अप्रूव हो रही है फर्स्ट सितंबर को अचानक से हुआ ये अचानक से हुआ ये एक जुलाई को फर्स्ट जुलाई को कंपनी को एक न्यूज मिलती है कंपनी को एक न्यूज मिलती है उनका एक डेटर जो कि इस फिफ्टी करोड़ में शामिल है उनका एक डेटर जो फिफ्टी करोड़ में शामिल है लगभग हमें उससे एट करोड़ रुपीस लेने हैं वो इंसॉल्वेंट हो गया वो क्या हो गया इंसॉल्वेंट हो गया और वो एट करोड़ जो है वो इस फिफ्टी करोड़ में स्टिल है शामिल है ठीक है मेरी बात समझ में आ रही है इकतीस मार्च की पोजिशन के हिसाब से हमें डेटर्स कितने पैसे लेने हैं हमें और जिस दिन हम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव कर रहे हैं यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम यहां पर आके अप्रूव कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि अप्रूव्ड डेटर्स 50 करोड़ के हैं

पर उस इकतीस मार्च की पोजिशन को हम अप्रूव तो आज कर रहे हैं ना इकतीस मार्च वाली पोजीशन को मैं आज अप्रूव कर रहा हूं और आज अप्रूव करते बोल रहा हूं इकतीस मार्च के हिसाब से डेटर्स पचास करोड़ के दिख रहे हैं पर मुझे पता है कि दो महीने पहले ही न्यूज आ चुकी थी कि आठ करोड़ मेरे पच गए तो मुझे कुछ ना कुछ तो डिस्क्लोजर देना पड़ेगा ना अप्रूव करते वक्त तो मुझे कुछ ना तो कुछ तो एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा ना कि हाँ पचास करोड़ है पर नोट में जाइए और जाके देखिए कि पचास करोड़ के अगेंस्ट हमारे आठ करोड़ रुपए तो डूबने वाले हैं मुझे ये बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए एंड हो मुझे बोलिए सो टेल मी इज द डिस्कलोजर और एनीथिंग वाइसोजर हो चाहे कुछ भी हो क्या अप्रूव करने से पहले पहले मुझे बैलेंस शीट में इस आठ करोड़ के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ डिस्कलोजर या कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बोलिए बेटा बस दैट इज वॉट एस फोर टॉक्स अबाउट एस बैलेंसिंग डेट के बाद कभी कुछ ऐसा इवेंट अराइज हो सकता है जिस इवेंट के कारण आपकी बैलेंस शीट में जो असेट लाइब्रेटी दिख रही है वो अफेक्ट हो रही है और अप्रूव करते टाइम आपको रियलाइज होगा कि यार कहीं ना कहीं वो असेट लाइब्रेटी ठीक नहीं है या उसके अगेंस्ट मुझे एडिशनल डिस्कलोजर देना चाहिए क्योंकि अभी एजीएम आने वाली है और वो मुझे करना पड़ेगा ताकि ट्रू एंड फेयर व्यू दिखे सो बेसिकली दिस ए केम इन लाइफ बिकॉज एक बार बैलेंस शीट डेट खत्म हो गई तो क्या हुआ बैलेंस शीट डेट खत्म होने के बाद कुछ इवेंट कुछ घटनाएं ऐसी घटित तो हुई जिसके कारण आपकी बैलेंस शीट गंदी हो रही है और अगर वो बैलेंस शीट पर इफेक्ट पड़ रहा है गंदी हो रही है तो वो चार लोगों को बताओ ना कि गंदी हो रही है आपने अगर वो चीज छुपा दी तो फिर क्या मतलब अच्छा इमेजिन सिचुएशन कि 31 तारीख को आपकी बैलेंस शीट में अट्स दिख रही थी फिक्स असेट दिख रही थी फैक्ट्री बिल्डिंग एंड फैक्ट्री असेट दिख रही थी 50 करोड़ रुपीज की इमेजिन 31 तारीख को आपकी बैलेंस शीट में और सचमुच में इकतीस तारीख को फिजिकली आपके पास फैक्ट्री बिल्डिंग और फैक्ट्री मशीन एंड ऑल ये सब थे करोड़ के ठीक है ना इकतीस मार्च के जस्ट पंद्रह बाद पंद्रह अप्रैल को बिल्डिंग में आग लग गई फैक्ट्री में आग लग गई और हैवी आग लग गई सब कुछ दुर्घटना से सब कुछ खराब हो गया सब कुछ खत्म हो गया नाउ इमेजिन सिचुएशन आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप कंपनी के मेन लोग हो जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करना है इकतीस मार्च को तो वो बिल्डिंग और बिल्डिंग फैक्ट्री बिल्डिंग और फैक्ट्री वगैरह सब करोड़ की असेट्स दिख रही थी अप्रैल को वो 50 की असेट्स का वैल्यू पांच करोड़ का स्क्रैप वैल्यू बच गया है और एक मई को फर्स्ट मई को आप लोगों ने बोर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अरेंज की और आपने बोर्ड मीटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव कर रहे हो और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा हुआ है थर्टी फर्स्ट मार्च बिल्डिंग फैक्ट्री एसेट्स आर करोड़ आपका मन करेगा साइन करने का बोलिए कर बोल तो अगर आप साइन कर भी लोगे, आप बोलोगे है, मार्च को तो था ना इकतीस मार्च को तो था ना आप साइन कर भी लोगे तो भी आप एक नोट डालोगे आप नोट डाल के अलग से क्या बताओगे कि ऑल दो 31 मार्च की पोजीशन तो ये ठीक है बट उसके बाद इन इस पूरी बिल्डिंग और ये सब की वैल्यू गिर गई क्योंकि ये हमारे पास कुछ नहीं बचा आग लगने के से ये खत्म हो चुका है तो ये बताना चाहोगे कि नहीं बताना चाहोगे बोलिए बेटा मैं आपसे ट्रू सेंस में पूछ रहा हूं कि लोगों को पता होना चाहिए कि ये हुआ है कि नहीं बताना चाहिए बस इसी चीज को करवाने के लिए एएस लिखना पड़ा ये करवाने के लिए एएस लिखना पड़ा ना कि भाई आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे कि अगर कोई ऐसी घटना हुई है जिससे आपकी एंड लाइब्रेट पर इफेक्ट पड़ा है तो आपको वो बताइए यूजर्स को क्योंकि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव कर रहे हो अंडरस्टूड नॉट क्लियर हुआ कि नहीं समझ आया हाँ अब नॉन एप्लीकेबिलिटी का पहला पॉइंट पढ़िए क्या लिखा है लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस मतलब ये कह रहा है बड़े बड़े रिस्क होते हैं पर उनके लिए आई ने एक्स्ट्रा नॉर्म्स बनाए गए हैं कि भाई अगर इंश्योरेंस कंपनी अगर अपनी बैलेंस शीट बनाएगी और 31 मार्च के बाद अचानक से कोई ऐसा इवेंट हो गया 31 मार्च के बाद आपको याद होगा जब कोरोना आया था कोरोना की बर्थडे कब होता है चलो कोरोना का बर्थडे छोड़ो हमारे लॉकडाउन का बर्थडे कब होता है लॉकडाउन कब से लगना शुरू हुआ था ट्वेंटी फर्स्ट में ट्वेंटी फर्स्ट एंड ट्वेंटी सेकेंड को तो वो जनता कर्फ्यू था थाली वाला ट्वेंटी थर्ड ऑफ मार्च आई एम नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन श्योर ट्वेंटी थर्ड ऑफ मार्च वॉज द लॉकडाउन डेट यू कैन गूगल इट हाँ <laughs> तो जनता कर्फ्यू वाज नॉट अ पार्ट ऑफ लॉकडाउन दैट वाज अ वॉलेंट्री जनता कर्फ्यू सर करिए 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 और अगले दिन से तुम्हारी ऐसी तैसी लट्ठे मारेंगे तुम लोगों हम बैठो अंदर ओ <laughs> डिस्कनेक्ट देख लो जनता कर्फ्यू संडे को था संडे किस दिन था देख लो ना ट्वेंटी मार्च को संडे था कि नहीं द तो पॉइंट सुनिए ध्यान से आपने देखा होगा डेथ कब बढ़ने जब स्टार्ट हुई वो देख रही है गूगल कर रही है वो देख ले भाई अब तो बता ही वो होगा शायद ठीक है जनता कर्फ्यू ट्वेंटी थर्ड का था हाँ तो एक दिन छोड़ के लगा था ये तो फिर फैक्ट है वो सर सही बोल रहे हैं फिर वो क्योंकि जनता कर्फ्यू एक दिन छोड़ने के बाद फिर लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था ऐसा हो गया था आपको याद है लॉकडाउन लगना शुरू हुआ था, बहुत सिचुएशंस खराब हो रही थी मतलब दिख रहा था कि सिचुएशन खराब हो रही थी, तो उस टाइम पर चल रहा था यार काश हम लोगों का इंश्योरेंस होता इंश्योरेंस होता जिनकी डेथ हो रही थी आप आई डोंट नो आप में से कितने लोगों के फैमिलीज में या क्या क्या रिलेटिव में ये था पर मैंने अपने आ, उस नहीं कर, रखा था और अगर किसी एक, दो लोगों ने इंश्योरेंस लेके भी रखा होगा तो उन्होंने अपनी फैमिली बताया भी नहीं था कि करना कैसे है अप्लाई और वो सब चीजें कैसे होनी है और आपने उस टाइम पे न्यूज सुनी होगी कि इंश्योरेंस कंपनी को बोला गया था सरकार के द्वारा कि ये आपको मैंडेटरी कवर करना पड़ेगा कोविड वाली बीमारी क्योंकि वो कोविड वाली बीमारी पहले कवर नहीं थी तो कोविड वाली बीमारी मैंडेटरी आपको कवर करनी पड़ेगी लोगों को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा ठीक है मैं आपको यहां पर क्या समझाना चाह रहा हूं इंश्योरेंस कंपनी इन्वॉल्व बिजनेस होता है कि यहां पर तटपुंजीय ए एस फोर जैसे काम आ ही नहीं सकते ए एस फोर बहुत ही तटपुंजीय ए एस है छोटा सा ए एस है उसके प्रोविजन इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर काम ही नहीं आ सकते इंश्योरेंस कंपनी को तो इतना हैवी सोचना पड़ता है

इज नॉट अ गुड आइडिया क्यों क्योंकि ए एस फोर एक छोटा सा टटपुंजी है ए एस जो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी के लिए तो मतलब वो कुछ भी नहीं है इंश्योरेंस कंपनी तो बहुत बड़े लेवल पे प्रोविजन क्रिएट करके चलती है ए एस फोर की उनको जरूरत ही नहीं है आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं इसीलिए बोला गया है कि इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी लाइबिलिटीज होती है इंश्योरेंस कंपनीज में उसके ऊपर ए एस फोर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आई आर डी ए ने ऑलरेडी उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करके रखी है अंडरस्टूड और नॉट सेकेंड पॉइंट क्या है नॉन एप्लीकेबिलिटी का हां से पढ़ो इसमें डाल दो ए एस फिफ्टीन इसमें डाल दो ए एस फिफ्टीन रिटायरमेंट बेनिफिट किसका होता है इंप्लॉयज का और इंप्लॉयज के ऊपर ए एस फिफ्टीन लगता है बेनिफिट एक्सपेंस तो जितने भी इंप्लॉय से रिलेटेड रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान होते हैं जैसे कंपनी को ग्रेच्युटी पे करना है मैं और सपोज तुम सबकी एज फिफ्टी एट गए सब लोग दो साल बाद मुझे कोई ग्रेचुअटी पे करनी है ये, कायदे से आज मुझे प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बोलिए बेटा करना चाहिए ना मुझे पहले से ही इवेंट पता है कि एक इवेंट होने वाला है इवेंट क्या होने वाला है रिटायरमेंट रिटायरमेंट इज एन इवेंट Maybe, uh, दो साल बाद उसके बाद कुछ लोग रिटायर होना शुरू हो जाएंगे बोलो बेटा, उसके में, में नहीं क्यों? ना? मैंने नाम लिखवाया वो क्या क्यों ए एस फोर्टीनिफ्टीन उसका टेक केयर करता है ए एस फिफ्टीन ने उसका टेक केयर ऑलरेडी किया हुआ है कि आपको कैसे उसका प्रोविजन वगैरह बनाने हैं समझ में आ रही बात की नहीं थर्ड पॉइंट पढ़िए एस नाइनटीन लॉन्ग टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट जब आप असेट्स को लीज पर लेते हो आपने ग्रुप वन चैप्टर पढ़ा था हायर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि नहीं जल्दी बोलो क्या होता है हायर परचेज चैप्टर में ओनरशिप कब मिलती है लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के ओनरशिप कब मिलती है ना तो इसका मतलब तब तक वो क्या माना जाता है आपने किराए पर लिया है? हायर हायर आपने किराए पर लिया है मतलब आपने लीज पर लिया है जब आप लीज पर लेते हो पांच साल की लीज पर लिया दस साल की असेट असेट दस साल के लिए लीज पर लिया पचास साल के लिए लीज पर लिया तो ये आपका कौन सा लीज हुआ लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म टेलमी लॉन्ग टर्म तो लॉन्ग टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट्स में जो किराएदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लीजेस की जो ऑब्लिगेशंस होती है कि मुझे इतना सारा अमाउंट पे करना पड़ेगा एवरी ईयर आई हैव टू पे रेंट उसका मुझे कैसे बनाना है, कैसे करना है? उसके लिए कौन सा एएस टेक केयर करता है एएस 19 तो यस एएस फॉर टॉक्स अबाउट प्रोविजंस बट 4 डजंट टॉक अबाउट दीस थ्री काइंड ऑफ प्रोविजंस

नेक्स्ट मीनिंग ऑफ इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट मुझे बताओ बैलेंस शीट डेट कौन सी होती है आमतौर पर थर्टी फर्स्ट मार्च पर क्या हमेशा बैलेंस शीट डेट थर्टी फर्स्ट मार्च हो सकता है नहीं तो कौन सा हो सकता है कोई भी हो सकता है आप जानते हैं लिस्टेड कंपनीज को ईयरली बैलेंस शीट के अलावा क्वार्टरली बैलेंस शीट बनानी पड़ती है आपने सबने सुनकर रखा होगा तो मुझे बताइए क्वार्टरली बैलेंस शीट डेट्स कौन कौन सी हो सकती होंगी अप्रैल मई जून मतलब थर्टी जून जुलाई अगस्त सितंबर मतलब थर्टी सितंबर थर्टी थर्टी दिसंबर दो दिन बाद थर्टी दिसंबर आ रहा है मतलब अभी बैलेंस शीट डेट आ रही है सिंपल लिस्टेड कंपनी इसमें बैलेंस डेट आ रही है कि नहीं आज कौन सी डेट है दो दिन बाद बैलेंस शीट डेट आ रही है ठीक है एंड देन थर्टी फर्स्ट मार्च क्लियर है कि नहीं इस एस का नाम क्या है पढ़ो एस का नाम पढ़ो जाके एस फोर नहीं एस फोर का नाम क्या है कॉन्टिजेंसी एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर थर्टी फर्स्ट मार्च लिखा है क्या आफ्टर बैलेंस शीट डेट कैन बी एनीथिंग इस एस में ये नहीं लिखा है कॉन्टेंडेंसीड इवेंट अफ्टर थर्टी फर्स्ट मार्च सो प्लीज जब भी आप एस फोर पढ़ेंगे तो आप अपने भेजे में इकतीस मार्च जरूरी नहीं किस मार्च की ही डेट 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 लाओ आप आप लाओगे कि बैलेंस बैलेंस शीट शीट के बाद कुछ भी हो सकती है उसके बाद अगर कोई इवेंट अराइज हुआ तो समझ में आ रहा है कि नहीं बोलना बच्चे समझ में आया कि नहीं क्लियर ना ना 31 मार्च अगर बैलेंस शीट डेट है और तेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव किया गया है पंद्रह जून को तेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव किया गया पंद्रह जून को थर्टी फर्स्ट मार्च इज बैलेंस शीट डेट एंड फिफ्टीन जून इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव अप्रूव हुए फिफ्टीन जून को फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हुए अगर कोई भी इवेंट इकतीस मार्च के बाद अराइज हुआ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अप्रूवल डेट के अंदर अंदर अनाउंस हुआ तो उस इवेंट को कहा जाएगा इवेंट अकरिंग आफ्टर द डेट सर कोई इवेंट 15 जून के बाद हुआ तो तो वो इवेंट एस फोर में नहीं आएगा उस इवेंट को इवेंट आफ्टर द बैलेंस डेट नहीं बोलेंगे सर क्यों नहीं बोलेंगे सर उसको भी कवर करो अरे ऐसे तो फिर हम तो बस चलते रहेंगे फिर तो कभी छोटे मतलब फिर तो कभी हमारी बैलेंस शीट कभी अप्रूव हो ही नहीं पाएगी समझ में आ रही बात की नहीं ऐसे तो हमारी बैलेंस शीट कभी अप्रूव हो ही नहीं पाएगी ऐसे तो हम ट्रू एंड फेयर व्यू के बहाने हम बस कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे ऐसे फाइनल नहीं हो पाएगी ना अंडरस्टूड और नॉट क्योंकि सबसे पहले एक होती है बैलेंस शीट डेट बैलेंस शीट के बाद क्या होता है बैलेंस शीट डेट खत्म होती है उसके बाद ऑडिट डेट आती है ऑडिट होता है ऑडिट होने के बाद अप्रूवल होता है अप्रूवल के बाद एजीएम में एजीएम में उसको एडोप्ट किया जाता है और देन आरओसी में उसको सबमिट किया जाता है आरओसी की सबमिशन डेट होती है ठीक है ना आरओसी की सबमिशन डेट निकल जाएगी ना भाई आरओसी भी तो मुझसे चाह रहा है कि बैलेंस शीट दो भाई मुझे जमा करो सेबी अगर मैं लिस्टेड कंपनी तो मुझे सेबी को भी सबमिट करनी है अपनी बैलेंस शीट ठीक है ना तो वो डेट्स भी तो आने वाली है ना मैं कब तक इसको कैरी फॉरवर्ड करता रहूंगा तो इसलिए मुझे कोई एंड डेट तो रखनी पड़ेगी मुझे कोई एंड डेट तो चाहिए बॉस। तो एंड डेट क्या है यहां पर? अरे मेरी शकल क्यों देख रहे हो? क्या 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 है? 15 जून नहीं। मैं क्या पूछ रहा हूं? End date क्या होनी चाहिए? तक अगर कोई event आया, तो वो इवेंट वो वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो तू अभी अप्रूव कर रहा है उसमें तेरे को कवर करने पड़ेंगे बॉस। भले वो 31 मार्च के बाद हुए हमें मतलब नहीं है, नहीं है, नहीं, मैं नहीं जानता समझ में आएगी नहीं तेरी बैलेंस चुकी है इकतीस मार्च जा चुका है पर इकतीस के बाद भी अगर तेरा कोई इवेंट हुआ और अप्रूवल अंदर -अंदर तो के अंदर-अंदर दिखा रहे न, उस में तेरे को उस को डालना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं उस इवेंट को तुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डालना पड़ेगा सर कैसे डालेंगे कैसे डालेंगे दो तरीके से या तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा या तो बाकायदा जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ेगी होगा वो हम आगे पढ़ेंगे हम आगे पढ़ेंगे कि कौन से कौन से से केस में जर्नल एंट्री पास करके एडजस्टमेंट होगा और कौन से कौन से केस में सिर्फ डिस्क्लोजर देके ही काम चल जाएगा समझ में आ रहा है बोलो बेटा क्लियर हो रहा है कि नहीं तो पहले हम समझते हैं कि इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट की डेफिनेशन क्या है चलिए सब लोग मेरे साथ चिल्ला चिल्ला के पढ़ेंगे पढ़िए मीनिंग ऑफ इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट पढ़िए सब लोग वन सेकेंड वन सेकंड। सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ सिंपल लैंग्वेज क्या इंपॉर्टेंट मतलब ऐसे एरे गेरे नत्थु गेरे इवेंट नहीं कुछ भी छोटा मोटा इवेंट नहीं सिग्निफिकेंट द इवेंट शुड बी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट मेजर इवेंट समझ में आ रहा है कि नहीं हाँ द इवेंट शुड बी द मेजर इवेंट सर जैसे एग्जाम्पल दो सर जैसे आ, आपकी सौ करोड़ की कंपनी है आपकी सौ करोड़ की कंपनी है आपके पास गोडाउन है स्टॉक उसमें रखा रहता है इकतीस मार्च के बाद उसमें पांच हजार रुपए के गुड्स चोरी हो गए सौ करोड़ की कंपनी में ये पांच हजार के गुड्स चोरी हो गए क्या ये आपके लिए सिग्निफिकेंट है क्या है क्या इस इवेंट को भी रिपोर्ट करोगे क्या नहीं 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 वो जय सर ने बोला था रिपोर्ट करना जरूरी है जल्दी बोलो रिपोर्ट करोगे क्या द इवेंट शुड बी सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट हैं मटेरियलिटी मतलब तुम लोग का यार फाउंडेशन. <laughs> मेरे को सीपीटी इसलिए आता क्योंकि मैंने पहला मैंने सीपीटी दिया था यू नो ज़माने से हूं जब सीपीटी पहला पेपर आया था आई फर्स्ट सीपीटी स्टूडेंट मतलब इंडिया में जब पहली बार सीपीटी लॉन्च हुआ था तो हमने उसका उद्घाटन किया था नवंबर 2006 हजार छट वॉज सो इसलिए मुझे सीपीटी सीपीटी याद आता है सो द इवेंट शुड बी सिग्निफिकेंट चलो पढ़ो वापस से बहुत फेवरेबल एंड अनफेवरेबल जरूरी नहीं कि इवेंट हमेशा अनफेवरेबल ही हो सकता है फेवरेबल फेवरेबल मतलब क्या फेवरेबल हो सकता है हमारे लिए कुछ फायदेमंद ठीक है ना ऑल राइट ऑल राइट दो सिग्निफिकेंट इवेंट बहुत फेवरेबल और अनफेवरेबल हाँ आगे बिटवीन द बैलेंस शीट डेट मतलब बैलेंस शीट डेट से लेकर शुरू हो गया हां और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बिटवीन बिटवीन टू डेट्स प्रॉपर है वो दो डेट्स कौन सी है डेट ऑफ बैलेंस शीट द डेट ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव्ड इन दो डेट्स के बीच में अगर कोई इवेंट हुआ है वो इवेंट इस एस फोर में कवर होगा वन सेकेंड सर बैलेंस शीट डेट से पहले अगर इवेंट हो गया तो वो तो बैलेंस शीट में आ चुका है ना सर डेट ऑफ अप्रूवल के बाद अगर इवेंट हुआ तो वो अगली बैलेंस शीट में आएगा अगले फाइनेंशियल चेर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ जाएगा आई समझ में की नहीं मैं समझा नहीं आप उसको इससे लिंक कर रहे हो मतलब क्या आपका डाउट क्या है गुड फॉर रिटर्न और अप्रूवल होता है उसमें ये होता है कि मैं आपको कंप्लीट कर देता हूँ फिर आप मुझे डाउट पूछना उसमें ये होता है कि मैंने आपको गुड्स दिए आपका नाम क्या मैंने आपको मैंने स्वाति को गुड्स दिया और मैंने आपको स्वाति को बोला कि स्वाति तेरे पास थर्टी डेज का टाइम है मुझे सोच के बता तेरे को गुड्स चाहिए कि नहीं चाहिए अगर स्वाति ने मुझे थर्टी डेज में नहीं बताया तो मैं मान लूंगा कि गुड्स सेल हो गए ये होता है ना या फिर स्वाति ने अगर थर्टी डेज से पहले ही अप्रूवल दे दिया तो भी मैं सेल मान लेता सिंपल आप अब क्यों? आपको उसकी accounting बता देता हूं, जिसकी अकाउंटिंग आपने सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स में पढ़ी थी मैंने भी लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है उस पर पॉइंट से अच्छा आप तो डायरेक्ट एंट्री वाले हो आप जितने भी फाउंडेशन के बच्चे हो आपको याद है आपके अकाउंट्स में एक चैप्टर हुआ करता था गुड्स सेल ऑन अप्रूवल रिटर्न बेसिस याद है कि नहीं हम इकतीस मार्च को ये देखते हैं कि स्वाति ने गुड्स अप्रूव किए हैं कि नहीं किए अगर अप्रूव नहीं किए तो उसको हम अपने बेसिस पर रिवर्सल की एंट्री मार के क्लोजिंग स्टॉक में दिखा देते हैं कुछ याद आ रहा है कि नहीं हाँ तो उसका इस ए एस फोर से कोई रिलेवेंस नहीं है हम उसको बैलेंस शीट डेट पर रिवर्सल दिखा देते हैं कि अब स्वाति ने अभी तक अप्रूव किया नहीं है टाइम अभी बचा हुआ है तो मैं सेल मान लूंगा ही नहीं मैं रिवर्सल करके क्लोजिंग स्टॉक में दिखा दूंगा तो इसका यहां पर आप उसको लिंक मत करो प्लीज ठीक है चलो यहां पर दो डेट्स कौन सी इंपॉर्टेंट है डेट डेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव अब मैंने आपको बोला कि बैलेंस शीट क्या हमेशा मार्च होती है क्या जैसे आपने अपने फर्स्ट क्वार्टर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए तो उसकी बैलेंस शीट डेट क्या होगी फर्स्ट क्वार्टर थर्टीएथ जून अप्रैल मई जून तो मान लो अप्रैल मई जून थर्टी जून इज द बैलेंस शीट डेट और जून जैसे ही कंप्लीट हुआ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग अरेंज कर ली पच्चीस जुलाई तो पच्चीस जुलाई इज द अप्रूवल डेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मीटिंग करनी पड़ती है ना अप्रूव करना है ठीक है बोर्ड मीटिंग अरेंज हो गई जु, जु, जुलाई तो मुझे बताइए कौन सा टर्म हो गया इस के के लिए के लिए टर्म बोलो फर्स्ट जुलाई से लेकर पच्चीस जुलाई आई बात समझ में नहीं तो फर्स्ट जुलाई से लेकर पच्चीस जुलाई के बीच में अगर कोई भी सिग्निफिकेंट अगर इवेंट अगर हुआ तो उस इवेंट को क्या करना पड़ेगा

कि सर इन्वेस्टमेंट का अगर वैल्यू डिक्रीज हो गया तो क्या होगा वो अभी अभी बस आने वाला है थोड़ी देर में ठीक है तो अभी रुक जाओ यहां तक क्लियर है कि नहीं सबको डेट सबको क्लियर है कौन सी डेट्स देखते हैं बैलेंस शीट डेट एंड द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर यहां क्या लिखा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या लिखा है कॉम्पिटेंट वर्ड क्यों लिखा है डिपेंड करता है ना कंपनी के लिए कॉम्पिटेंट व्यक्ति कौन है डायरेक्टर्स पार्टनरशिप में कॉम्पिटेंट व्यक्ति कौन है कॉम्पिटेंट जो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करने के लिए कॉम्पिटेंट है अथॉरिटी जिसके पास दी गई है अंडरस्टूड और नॉट बोलो ना बेटा सोसाइटी के केस में कौन होता है मेंबर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कौन होता है मेंबर्स, सेक्रेटरी नॉट ओके एग्जांपल पढ़िए पढ़ लिया समझ आया किसी को और तेज करना है बंद ही नहीं हो रहा देखो क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट्स एस पर एस फोर हाँ डेफिनेशन के अनुसार इवेंट कौन सा होना चाहिए सिग्निफिकेंट की इनसिग्निफिकेंट फेवरेबल की अनफेवरेबल इसमें भी इवेंट को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है इवेंट तो समझ में आ गया कि इवेंट कब होना चाहिए बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूवल डेट से पहले अब इसमें भी दो टाइप के इवेंट हो सकते हैं एक ऐसे इवेंट जहां हमें फाइने वो बैलेंस शीट जो अप्रूव हो रही है उस बैलेंस शीट में हमें एंट्री पास करनी ही पड़ेगी हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जिन इवेंट्स को हमें हमारी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा एक ऐसे इवेंट होते हैं दूसरे कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जिनको उस बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं सिर्फ उस बैलेंस शीट में डिस्क्लोज कर दो डिस्क्लोज कर दो चलेगा और जो अगले फ्यूचर की बैलेंस शीट आ रही है उसमें तो वो रिकॉर्ड होगा ही होगा समझ में आ रही है नहीं तो इवेंट को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है कुछ ऐसे सीवियर इवेंट्स जिनको मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको मैं अप्रूव कर रहा हूं और कुछ ऐसे इवेंट्स वो इतने सीवियर नहीं है पर उनका डिस्क्लोजर भी काम कर लेगा बस उनका डिस्क्लोजर भी अगर हो गया तो चलेगा अरे बोलो यार समझ में आ रहा है कि नहीं पक्का सच्ची बैलेंस शीट डेट पर 50 करोड़ के डेटर दिख रहे हैं ठीक है आपका नाम क्या बैलेंस शीट डेट पर 50 करोड़ के डेटर दिख रहे हैं उसमें से 8 करोड़ रुपीस मुझे आनंद से लेने किससे लेने बैलेंस शीट डेट है थर्टीएथ जून थर्टीएथ 25 जून को मुझे एक खबर मिलती है 25 जून बैलेंस शीट डेट से पहले बैलेंस शीट डेट से पहले मुझे खबर मिलती है कि आनंद को बिजनेस में हैवी लॉस हुआ है आनंद को उसके खुद के बिजनेस में हैवी लॉस हुआ है सिर्फ ये मुझे खबर मिलती है कि आनंद है सफर्ड ह्यूज लॉस इन इट्स बिजनेस उससे मेरे को कोई चिंता नहीं मेरे को कोई चिंता नहीं मेरे पैसे अटके भाई मैं रोज भगवान को प्रार्थना करूंगा आनंद का बिजनेस बहुत अच्छा चले में आ रहा है नहीं, नहीं। बताओ जल्दी बोलो आनंद को बिजनेस में नुकसान हुआ ये 25 तारीख को मेरे को मालूम पड़ा 25 तारीख मतलब जून एंडिंग से पहले पहले मुझे खबर मिल गई बताइए ये, ये खबर मेरे लिए रेलेवेंट है कि इरेवेंट है।, है रेलेवेंट है यार बताइए मैं क्या करूंगा बिजनेस में लॉस हुआ है उसने मुझे मना थोड़ी किया कि नहीं देगा प्रोविजन से भी पहले क्या करूंगा उससे भी पहले क्या करूंगा अरे उसके पास जाके उसको बोलूंगा पैसे दे यार तू भाई <laughs> उसके पीछे पड़ूंगा ना <laughs> कैसे लोग यार तुम तो अब पैसों की चिंता नहीं कि तो बैलेंस शीट बैलेंस शीट कर रहे हो अरे पागल हो गए <laughs> अरे <laughs> आनंद के पीछे पड़ेंगे बोलो ना हाँ बोलो आनंद के पीछे पड़ोगे कि नहीं मतलब ऑबवियसली हम जनरल सेंस में सब अब भाड़ में जाए अकाउंटिंग आता है एयरफोर्स कौन देखेगा रे पैसे चाहिए समझ में आ रही बात कि नहीं तो मैं किसके पीछे पढूंगा आनंद के पीछे पढूंगा आनंद के, के पीछे पड़ के मेरे को इतना समझ में आ जाएगा कि आनंद मेरे को झिलारा है कि नहीं झिलारा है उसको लॉस देगा कि नहीं देगा एक मेरे को एक आईडिया लग जाएगा ना

मतलब पर उसने ऊपर ऊपर से मिला देता हूँ देता हूँ तो मेरे को लगेगा पता नहीं वो देगा कि नहीं तो मैं प्रोविजन बनाऊंगा डिपेंड करता है ना कि मैं बैड डेट बनाऊंगा कि मैं प्रोविजन बनाऊ समझ में आ रही की बात की नहीं पर ये थी 25 तारीख जब आनंद का मुझे मालूम पड़ा कि उसको बिजनेस में हैवी नुकसान हुआ है मुझे तो उससे 8 करोड़ रुपए लेने 30 जून हुई 30 जून को बैलेंस शीट बैलेंस शीट डेट तक मान लो मैंने कुछ भी नहीं किया या मैंने आनंद के आठ करोड़ के ऊपर एक जनरल प्रोविजन बना दिया पांच परसेंट का नहीं इतना नहीं डूबेगा वो मेरा पुराना कस्टमर है मेरे को वो टेंशन नहीं देने वाला ठीक है थर्टी जून खत्म बैलेंस शीट डेट हो गई पांच दिन बाद पांच जुलाई को पांच जुलाई को मैंने आज तक न्यूज देखा टीवी पे आज तक देखा आनंद फरार <laughs> आनंद अरे विजय माल्या फरार सब लोग हो सकते आनंद भाई भी फरार <laughs> वो चले गए युगांडा कहा चले गए युगांडा <laughs> आनंद भाई फरार युगांडा नाम नहीं सुना तुमने आनंद भाई फरार युगांडा बताओ पांच जुलाई को मैंने ब्रेकिंग न्यूज हर जगह न्यूज छाई हुई है आनंद फरार बताइए मेरे लिए इवेंट आफ्टर द दे बैलेंस शीट डेट हुआ कि नहीं हुआ क्या हुआ इवेंट इवेंट हुए हुआ कि मेरा पैसा डूब गया पर ये जो इवेंट हुआ ये इवेंट होने के चांसेस क्या बैलेंस शीट डेट से पहले अराइज हो चुके थे क्या हल्का हल्का कुछ पिक्चर क्रिएट हो रखी हो रखी थी क्या पहले से ही इसकी स्टोरी पहले से ही क्रिएट हो रही थी क्या कैसे बैलेंस शीट डेट से पहले कुछ ना कुछ ऐसा हो चुका था जिससे बैलेंस शीट डेट पर यह समझ में आना चाहिए था कि यार कुछ ना कुछ शायद गड़बड़ होने वाली है अरे बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं हा? पांच जुलाई को मुझे जो मालूम पड़ा उससे मेरे को यह समझ में आ गया कि अच्छा वो जो पच्चीस तारीख की जो न्यूज थी कि आनंद को हैवी लॉसेस हुए वो सच निकली मेरे को जो लग रहा था वो हुआ कहीं ना कहीं इसका मतलब जो इवेंट बाद में हुआ उस इवेंट के हो, इवेंट का होना तो जस्ट एक एविडेंस है इसकी इसके बारे में पुरानी स्टोरी तो पहले से क्रिएट हो चुकी थी मैं बोल सकता हूं कि नहीं इवेंट पांच तारीख को हुआ इवेंट इज जस्ट एन एविडेंस कि देखो आनंद ने पैसे खा लिए मेरे जबकि पहले से ही कही न कहीं ना कहीं चीजें उस सिचुएशन में जा रही थी समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं एडजस्टिंग इवेंट्स क्या बोलते हैं अब ये वर्ड एडजस्टिंग क्यों बोला गया है एडजस्टिंग इवेंट्स मतलब ऐसे इवेंट्स जिनका आपको आपके बुक्स ऑफ आप अकाउंट्स में 30 जून के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा एंट्री पास करनी पड़ेगी फॉर के से बताना 25 जून को डेट के बाद हुए पर एंट्री करूंगा 30 जून को मुझे डेट हो चुके हैं बेस्ड ऑन 5 जुलाई के इवेंट पर क्योंकि वो इवेंट कौन सा है एडजस्टिंग इवेंट बोलो बेटा एक सेकेंड में कंप्लीट नहीं हुआ मैं कंप्लीट नहीं हुआ तो मुझे बीच में कोई ना टोके मैं पहले कंप्लीट हो जाऊं इवेंट कब हुआ फिफ्थ जुलाई वो इवेंट का होना हमारे लिए बिल्कुल ही एक सरप्राइजिंग इवेंट हो गया कि कहीं कही ना कहीं इसकी कहीं कही ना कहीं थोड़ी सी पिक्चर पहले से क्रिएट हो चुकी थी मैं ये तो बोल सकता हूं ना कि ये पांच तारीख को जो इवेंट हुआ ये बिल्कुल ही अचानक से सरप्राइजिंगली मेरे सामने हो गया ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था ऐसा कुछ हुआ क्या हा? नहीं मतलब बैलेंस शीट डेट पर इसके सरकम एग्जिस्ट कर रहे होंगे एडजस्टिंग इवेंट मतलब ऐसा इवेंट जिसके सरकम बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट कर रहे थे और बाद में इवेंट होना तो इज जस्ट एन एविडेंस कि देखो पहले से ही समझ में आ रहा था क्या होने वाला है नहीं आएगा समझ में फिर से एडजस्टिंग इवेंट मींस होता तो बैलेंस शीट डेट के बाद है पर बैलेंस शीट डेट पर ही उसके सरकमस्टांसेस एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उसका होना वाज जस्ट एन एविडेंस कि देखो बोला था होना है एविडेंस इट्स जस्ट एन एविडेंस देखो हो रहा आई बात सर में कि नहीं तो इसका मतलब उसके सरकमस्टांसेस कब एग्जिस्ट कर रहे थे जल्दी बोलो बैलेंस शीट डेट पर सरकमस्टांसेस एग्जिस्ट कर रहे थे कि नहीं तो मुझे बैलेंस पर उसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा मतलब मैं अपनी में आनंद को आठ करोड़ का बैड डेट मान लूंगा और मैं दिखा दूंगा भले बाद हुआ पर मैं एंट्री करूंगा, मैं उसको समझ में आया नहीं बोलो बेटा क्लियर हुआ नहीं? अभी मैंने अपना मैं सबके एंटरटेन करूंगा होगा कि नहीं अच्छा दूसरा होता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट दूसरा कौन सा होता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट से सुनिएगा नॉन एडजस्टिंग इवेंट नॉन डजस्टिंग इवेंट थर्टीए जून तक सब अच्छा चल रहा था थर्टीएथ जून तक वॉज एवरीथिंग वॉज ऑल राइट सब चंगा सी थर्टीएथ जून के बाद थर्टीएथ जून के बाद अचानक स्टॉक मार्केट क्रैश होता है जिसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था आपका जवाब हो सकता है आपको मिल जाए थर्टी जून के बाद स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है जिसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था फॉर एग्जाम्पल दस जुलाई को ग्यारह जुलाई को स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है बिकॉज ऑफ एनी न्यूज कुछ आप जानते हो कुछ भी होता है तो कोई भी न्यूज आती है कोई भी पॉलिटिकल इफेक्ट आता है स्टॉक मार्केट या तो ऊपर है तो नीचे स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया मेरे को मेरे इन्वेस्टमेंट्स में दस करोड़ का नुकसान हो गया ठीक है अगर मुझे इसके बारे में पहले से ही पता होता तो कहीं ना कहीं मैं इन्वेस्टमेंट बेच चुका होता मैं क्यों वेट करता? बोलो बेटा 30 जून का जून तक कोई खबर नहीं थी कुछ नहीं था कुछ नहीं हुआ अचानक से 30 जून के बाद स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया मुझे बताइए थर्टीएथ जून को इसके सरकम चांसेस एग्जिस्ट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे थर्टीएथ जून को मेरे बैलेंस शीट में दस करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट दिख रहे हैं. जिनको मुझे अप्रूव करना है पच्चीस जून पच्चीस जुलाई को बोर्ड मीटिंग है मुझे अप्रूवल करना है पर उससे पहले ही पहले स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया दस करोड़ के इन्वेस्टमेंट मुझे हैवी नुकसान हो गया अब वो इन्वेस्टमेंट मेरे दो करोड़ के बच्चे मुझे आठ करोड़ का नुकसान हो गया दिस इज सिग्निफिकेंट इवेंट की इनसिग्निफिकेंट इवेंट सिग्निफिकेंट इवेंट मेजर इवेंट है भाई ठीक है नाउ द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेवरेबल की अनफेवरेबल अनफेवरेबल थर्ड क्वेश्चन एडजस्टिंग की नॉन एडजस्टिंग

क्या बोलते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स कुछ आया समझ में क्या जल्दी बोलिए पक्का सो इवेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स एडजस्टिंग एंड एडजस्टिंग इवेंट से हमें क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देना होता है रिकॉर्ड करना पड़ता है हमें को, वो जो भी असेट या लाइब्रेट पे अफेक्ट पड़ा है हमें उसको चेंज करना पड़ता है जो भी असेट लाइब्रेट पे अफेक्ट पड़ा है हमें उसको और नॉन एडजस्टिंग रिकॉर्ड रिकॉर्ड नहीं करना पड़ता है हमें उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो अप्रूव कर रहे हैं उसमें से डिस्क्लोजर देना पड़ता है रिक्वायर्ड समझ में आया कि नहीं बोलिए बेटा यहां तक क्लियर अब किसी को पूछना डाउट तो पूछो यस yes. पांच परसेंट का बनाया था अब बाकी का रिमेनिंग नाइन्टी फाइव हम्म और कोई डाउट उल्टा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई स्टॉक मार्केट हाई चला गया बढ़ गई सिंपल बेटा डिपेंड करता है ना कि ये एक परमानेंट डिक्लाइन है या टेम्पररी डिक्लाइन है तो उसको कुछ भी नहीं देंगे इसको मानेंगे इनसिग्निफिकेंट Hmm. तो वो तो आपका गलती है ना वो तो आपका एस्टिमेट में चेंज आप, आपका अकाउंटिंग का इफेक्ट गड़बड़ हो जाएगा मतलब आप ये बोल रहे हो कि सर पहले मैंने गलत अकाउंटिंग कर दी फिर बाद में मुझे मालूम पड़ा चाहिए ये वापस से बढ़ गया तो फिर आप ऐसा कर ही क्यों रहे हो थिंग इसकी वो एक रॉन्ग अकाउंटिंग हुई ना वो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रॉन्ग अकाउंटिंग वो कर सकते हैं करने को तो कुछ भी रॉन्ग कर सकते हैं द थिंग इज दिंग यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड की वॉट इज सिग्निफिकेंट एंड वट इज इनसिग्निफिकेंट बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू जज पांच जुलाई को हमें मालूम पड़ा कि हमारा पैसा डूब गया हाँ ट्वेंटी फाइव ऑफ जुलाई को हमारा अप्रूवल होने वाला है तो उससे पहले आप कोई ओवरऑल आप एडजस्टमेंट करोगे ना वो तो एंट्री तो आपको वैसे भी थर्टी मार्च थर्टी जून की करनी है थर्टी जून की एंट्री करनी है किस डेट पे करते हो वो आपको मर्जी तो आप बोलोगे पहले कि नहीं मैं पहले मंदिर जाऊंगी प्रसाद चढ़ाऊंगी उसके बाद ही मैं एंट्री करूंगी तो आपकी मर्जी आप मंदिर जाओगे मैं मंदिर भी जो जाऊंगी तो गुरुवार के दिन ही जाऊंगी उसके बाद शुक्रवार को मैं एंट्री करूंगी तो आपकी मर्जी बस अल्टीमेटली आप किसी भी दिन मंदिर जाओ एंट्री आपको किस दिन की करनी है, कर है थर्टीएथ जून की एंट्री आप किसी दिन कर सकते हो पर एंट्री डेट ऑफ एं, मतलब रिकॉर्ड किस किस दिन के लिए करना है बैलेंस शीट डेट पे करना है ऐसा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वार्टर में देंगे नेक्स्ट क्वार्टर में देंगे क्लियर बोलिए बेटा क्लियर ऑल राइट सो इवेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स द फर्स्ट इज एडजस्टिंग इवेंट एंड द सेकेंड इज नॉन एडजस्ट चलिए एडजस्टिंग इवेंट पढ़िए एडजस्टिंग इवेंट पढ़िए तेज पढ़ेंगे सब सब लोग पढ़ेंगे तेज वर्ड याद आ रहा है कुछ समझ में आ रहा है अभी मैंने क्या समझाया था वर्ड याद आ रहा है कंडीशंस एग्जिस्ट कब कर रही होती हैं बैलेंस शीट डेट पे और इवेंट का होना इज जस्ट एन एविडेंस तो इसलिए पहली लाइन वापस से पढ़ो दोस दैट प्रोवाइड एविडेंस एविडेंस वो बस एविडेंस दे रहा है ऑफ द कंडीशन वो कंडीशन पहले से ही एग्जिस्ट कर रही थी कंडीशन एग्जिस्ट कब कर रही थी कंडीशन एग्जिस्ट कब कर रही थी बैलेंस शीट डेट पर कंडीशन बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट कर रही थी वो तो सिर्फ अभी इवेंट का होना जस्ट एन एविडेंस क्लियर हुआ कि नहीं एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं अच्छा क्वेश्चन आ सकता है डिस्क्राइब एनी थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ एडजस्टिंग इवेंट्स नी फोर एग्जाम्पल ऑफ तो ये जो एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं एग्जाम टाइम में आप ये याद करके जाएंगे कौन कौन से एग्जाम्पल्स आपके एडजस्टिंग इवेंट के होते हैं यू हैव टू राइट इट दे विल आस्क यू राइट एनी फोर एग्जाम्पल्स राइट एनी थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ एडजस्टिंग इवेंट अंडरस्टूड और नॉट पहला क्या है भाई सेटलमेंट ऑफ लिटिगेशन against the entity after the reporting date in respect of events that occurred before the end of reporting period. may provide evidence of existence and amount of liability at the reporting date. however, provision shall be created considering as 29. so no. litigation. court case. legal proceedings. take आपको कोई एड ऐसा याद आ रहा है मेरे को ऐसे दो कंपनीज के ऐड याद आ रहे हैं मैं आपसे पहले पूछूंगा जहां एक कंपनी ने अपने कॉम्पिटिटर को अपने एड में उसको नीचा दिखाया हो वेरी गुड हम्म और बीएमडब्ल्यू आडी का मुझे याद नहीं इसलिए मैं ज्यादा उस पर वेरी गुड कोलगेट और पेप्सोडेंट पेप्सोडेंट ने कोलगेट को उसमें नीचा दिखाया था आपने उसमें हम्म अलग-अलग है पेप्सोडेंट एचयूएल है जो कोलगेट है वो पीएनजी की है हाँ बोलिए और टाइड सर्फ एक्सेल का भी एक था टाइड और सर्फ एक्सेल या व्हील पर इन जो ये धोने बोने वाले जो होते हैं ना उनमें से किसी एक ने किसी दूसरे के बारे में कुछ करवाया था शायद सर्फ एक्सेल ने टाइड वाइज का करवाया था कुछ ऐसा कुछ होगा सोचो अगर एक कंपनी अपने कॉम्पिटिटर कंपनी के प्रोडक्ट को नीचा दिखा रही है एडवर्टीजमेंट में तो कॉम्पिटिटर कंपनी उसके ऊपर लिटिगेशन फाइल करेगी कि नहीं करेगी हाँ करेगी आपकी बैलेंस शीट डेट इकतीस मार्च जनवरी के टाइम पे एक एडवर्टीजमेंट मार्केट में आई जिस एडवर्टीजमेंट से एंटिटी ने अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को नीचा दिखाया जनवरी में आई आई एडवर्टीजमेंट कॉम्पिटिटर ने एंटिटी के ऊपर लिटिगेशन फाइल कर दिया 31 मार्च से पहले पहले हैवी कॉम्पनसेशन बोलो बेटा 31 मार्च को कोर्ट केस चल रहा है अभी सेटल नहीं हुआ बोलो ना यार 31 मार्च को कोर्ट केस अभी सेटलमेंट नहीं हुआ हमारे लॉयर के अकॉर्डिंग हमने लॉयर से पूछा क्या लगता है हम कोर्ट केस हारेंगे कि जीतेंगे हम कौन है जिसने हमने अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को नीचा दिखाया हमारे अगेंस्ट केस किया गया है तो हमने अपने लॉयर से पूछा लॉयर ने बोला केस तो तुम हारोगे कॉम्पनसेशन तो देने पड़ेंगे ट्राई we'll मिनिमम से मिनिमम कॉम्पनसेशन जाए हमें इतना तो समझ में आ गया है कि भैया केस तो हारने वाले बैलेंस शीट डेट के बाद केस सेटल हो गया सेटलमेंट ऑफ लिटिगेशन बैलेंस शीट डेट के बाद लिटिगेशन सेटल हो गया जजमेंट आ गया हम केस हार गए पैसे देने पड़ेंगे टेल मी इवेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट पर इस इवेंट का होना वॉज जस्ट एन एविडेंस वॉज एग्जिस्टेड ऑन कैसे बोल सकता हूँ बैलेंस शीट डेट को एग्जिस्ट कर रहा था केस तो पहले ही हो चुका था ना और बैलेंस शीट डेट पर मेरा लॉयर मुझे कह रहा है केस तो हम हारने वाले हैं टेल में बेटा क्लियर है कि नहीं पढ़ो इस फर्स्ट वाले एग्जाम्पल को वापस से पूरा पढ़ना सबको पढ़ना है बेटा सर ये ब्रैकेट में प्रोविजन आज की क्लास शुरू होते, वक्त बताया कि दो टाइप की होते हैं एक होते हैं है कि नहीं तो मैंने बोला लाइबिलिटी वाले प्रोविजन में कवर होते हैं जहां ऑब्लिगेशन होती है बोलो बेटा तो ये हुआ तो इवेंटा मतलब एस फोर के अकॉर्डिंग प्रोविजन बनेगा कि नहीं हाँ बनेगा पर कैसे बनेगा वो ए एस ट्वेंटी बताएगा अरे बोलना यार क्लियर वॉक कि नहीं सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एडजस्टिंग इवेंट चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते डिक्लेरेशन ऑफ बैंक मतलब इंसॉलवेंसी ऑफ बाय अ लॉन्ग आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल अरे वो आनंद वाला एग्जाम्पल आनंद आनंद आफ्टर रिपोर्टिंग डेट मे प्रोवाइड एविडेंस दट रिसबल वॉज इम्पियड एट द रिपोर्टिंग डेट रिपोर्टिंग डेट मतलब बैलेंस शीट डेट इंपेयरमेंट मतलब वैल्यू का रिड्यूस होना आनंद वाले एग्जाम्पल को लो बैलेंस क्या कि मेरे पैसे डूब सकते हैं चल दी बोलो बैलेंस बोल की वैल्यू गिर रही है मेरे debtors गिर रहे value गिरना is impairment, impaired. तो balance sheet date पर कहीं ना कहीं मेरे रिसीवेबल इंपेयर हो चुके थे और बैलेंस शीट डेट के बाद न्यूज मिली कि वो डेटर बैंक हो गया इंसॉल्वेंट हो गया अरे बोलो रे क्लियर हुआ कि नहीं? नहींकेंड एग्जाम्पल ऑफ एडजस्टिंग थर्ड एग्जाम्पल क्या लिखा है अब इसमें ना इस लाइन में ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा गया इसको हो सकता है पूरी तरीके से आपको ये समझ में ना आया हो वर्ड पे आ, फोकस करो डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड और एरर आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड वन सेकेंड फ्रॉड और एरर डिटेक्ट हुआ बैलेंस शीट डेट के डिटेक्ट हुआ डिटेक्ट मतलब पता चला पर सचमुच में फ्रॉड कब हो चुका होगा थर्टी फर्स्ट मार्च से पहले पता कब चला तो मतलब बैलेंस शीट डेट पे तो फ्रॉड हो चुका है ना बैलेंस डेट पे तो फ्रॉड हो चुका है तो बताओ कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है बैलेंस डेट पर नहीं वो तुझे मालूम नहीं पड़ा तू बेवकूफ है तेरे को मालूम नहीं पड़ा कि फ्रॉड हो, हो चुका है ना मतलब में हो चुका है। नहीं आएगा समझ में क्लियर हुआ सो डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड फ्रॉड का डिटेक्शन हो रहा है अकरेंस ऑफ फ्रॉड नहीं बोल रहा है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड पहले ही हो चुका है इस पे एक केस स्टडी आपकी पर क्वेश्चन आएगा आप एक एग्जाम्पल एक एग्जाम में भी आ चुका है कि अकाउंटेंट ने पैसे चुरा लिए थे जनवरी में अकाउंटेंट ने कैश cash, कैशियर था सॉरी अकाउंटेंट नहीं कैशियर ने कैश चुरा लिया जनवरी में पता चला मार्च के बाद कि उसने पचास हजार चुरा लिए बताइए एडजस्टिंग इवेंट कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट जल्दी बोलो एडजस्टिंग इवेंट क्यों कैश कब चुराया जनवरी में हुँ? पता चलना वॉज जस्ट इन एविडेंस डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड अंडरस्टूड और नॉट अच्छा यहां पर दो वर्ड है फ्रॉड या फिर एरर फ्रॉड या फिर दोनों में फर्क क्या होता है फ्रॉड और एरर में फर्क क्या होता है एरर एक गलती होती है मिस्टेक और फ्रॉड तो इंटेंशनल होता है ठीक है तो दीज आर द्री एग्जाम्पल्स ऑफ एडजस्टिंग इवेंट आई एम गिविंग यू टू मिनट जस्ट रीड द सेम अगेन इन योर बुक्स क्या क्या है एडजस्टिंग इवेंट के बारे में ऊपर से कहा से क्या क्या चीजें हैं ताकि आपका एक ओवर भी हो जाए वापस से फिर अपन आगे बढ़ेंगे सर सेवा पासवर्ड क्या है पक्का कर दूँ मैसेज फिर सबको स्टेटस डाल दूँ एक पढ़ लिया? हो गया पढ़ लिया किसी को कुछ पूछना हो कुछ भी नहीं चलो बताओ नॉन एडजस्टिंग के बारे में क्या डिस्कस किया था जो बैलेंस शीट डेट के बाद होता है बैलेंस शीट डेट पर कोई कंडीशन एक्जिस्ट मतलब कह सकता हूं कि इंटायरली न्यू इवेंट अकर सरप्राइजिंग बिल्कुल इफेक्ट आ गया बोलो बेटा हाँ सरप्राइज 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 ओ दादा टिकटॉक चलो पढ़ो आ जाओ क्या लिखा है दोस्त दैट आर इंडिकेटिव ऑफ कंडीशन दट अरो मतलब कंडीशन जो थी वो रिपोर्टिंग डेट के बाद अराइज हुई और उसका इंडिकेशन मिला कि इवेंट हाँ, हुआ है अब आपको शब्द रटने पड़ेंगे जाके एडजस्टिंग इवेंट की डेफिनेशन में जाइए क्या वर्डिंग लिखी हुई थी प्रोवाइड दैट प्रोवाइड क्या एविडेंस एविडेंस प्रोवाइड करे किसका कंडीशंस एग्जिस्टेड ऑन

आफ्टर अब आपको वर्डिंग समझ आई उसमें क्या था कंडीशन एग्जिस्टेड ऑन बैलेंस शीट यहां क्या लिखा है दैट आफ्टर बैलेंस वहां कंडीशन बैलेंस पर एग्जिस्ट कर रही थी जिसका एविडेंस हमें मिला अंडरस्टूड क्लियर इंडिकेशन पहले आ गया था. और यहां पर क्या है इंडिकेशन ही बाद में मिला बोलो ना यार समझ आया चलो दोनों को शॉर्ट में डिस्क्राइब करो जल्दी मीनिंग को जल्दी डिफाइन कर जल्दी बताओ एविडेंस से पहले वर्ड लिखो प्रोवाइड एविडेंस हां बोलो क्या प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड ऑन बैलेंस शीट डेट ठीक है नॉन एडजस्टिंग विच आर विच आर इंडिकेटिव ऑफ कंडीशन कंडीशन अरोज आफ्टर बैलेंस शीट डेट आफ्टर बैलेंस शीट बोलो या आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड बोलो एक ही बात है कोई दिक्कत नहीं है समझ आएगी नहीं तो उसमें कंडीशन बैलेंस शीट डेट पर रखी हुई है बाद में इवेंट हुआ एविडेंस आया कि हां ये तो हुआ यहां कंडीशन भी बैलेंस डेट पर नहीं थी कंडीशन बैलेंस डेट के बाद अराइज हुई और उसके बाद हमें इंडिकेशन मिला समझा कि नहीं ठीक है आगे का पढ़िए नॉट रिलेटेड टू सरकमस्टांसेज एग्जिस्टेड ऑन बैलेंस शीट डेट क्लियर है कि नहीं बोलो ना यार ठीक है आगे हा इंटायरली न्यू इवेंट नया इवेंट आ गया इंटायरली न्यू इवेंट आफ्टर द बैलेंसी डेट अराइव एग्जाम्पल में क्या लिखा है वो अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल बने दिया था स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया हाँ आप पूछ रहे थे कुछ क्लियर है कि नहीं ओके एग्जाम्पल्स पे आइए पहला एग्जाम्पल डिस्ट्रक्शन ऑफ असेट्स ऑफ एंटिटी फ्लड्स मतलब क्या डेट पर हमारा असेट्स हमारे पास रखा था अगले दिन आए तो असेट दिख ही नहीं रहा बाढ़ में बह गया ना हा? हा? क्या एक दिन पहले पता था क्या कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी क्या बैलेंस डेट पर बाढ़ आने वाली है बोलो ना भाई क्योंकि तुम्हें तो पता ही है इंडिया में जो भी वेदर फोरकास्ट होता है उसका उल्टा ही होता है वेदर है कि कल कुछ कल कुछ तो कुछ नहीं तो होगा हो बैलेंस पर कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी? नहीं। और अगर वो बैलेंस के बाद डिस्ट्रॉय हो गए आपकी कोई असैट बैलेंस के बाद डिस्ट्रॉय हो गई बिकॉज ऑफ एनी नेचुरल डिजास्टर तो क्या आप ये कहोगे क्या कि नेचुरल डिजास्टर का होना इज जस्ट एन एविडेंस कंडीशन तो बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट कर रही थी हा? कि क्या बोलोगे कंडीशन बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट नहीं कर रही थी बैलेंस शीट डेट के बाद ही कंडीशन अराइज हुई जिसका इंडिकेशन मिला अरे बोलो ना अरे तो ये क्या हुआ एडजस्टिंग की नॉन एडजस्टिंग

बोलो रे क्लियर हुआ कि नहीं उसका दिमाग अच्छा चल रहा है उसने जगह अच्छी चेंज कर ली मैं बता रहा हूं और वो पूरा का पूरा दोष तुम तीनों को दे रहा है आ, आ ना हाँ देखो चलो नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल इनिशिएशन ऑफ एक सेकेंड उसमें क्या सेटलमेंट ऑफ लिटिगेशन किधर किधर सर किधर अरे इस वाले एग्जाम्पल में क्या था सेटलमेंट मतलब मार्च एंडिंग से पहले पहले लिटिगेशन से ही शुरू हो चुका था मार्च एंडिंग के बाद लिटिगेशन सेटल हो गया और यहां क्या बोल रहा है कोर्ट के मार्च के बैलेंस uh, शीट के बाद हुआ है नहीं बैलेंस शीट पर कोई केस ही नहीं था अप्रैल में स्टार्ट हुआ अंडरस्टूड नॉट पढ़ो पूरा पढ़ो सब लोग अच्छे से पढ़ो ना रे बलवान आवाज में आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड कोई कांड किया रिपोर्टिंग डेट के बाद तो उसके ऊपर केस भी हुआ रिपोर्टिंग डेट के बाद आई बात सर कि नहीं डज नॉट इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइब्रेरी एट रिपोर्टिंग डेट रिपोर्टिंग डेट पर कोई लाइब्रेरी थी नहीं क्योंकि कांड भी कब हुआ कांड रिपोर्टिंग डेट के बाद किया तो कांड के बेसिस पे मुझे के, केस भी मेरे ऊपर रिपोर्टिंग डेट के बाद यह कर हुआ बोलो ना रे सर 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 अगर मैंने कांड पहले से ही कर लिया होता तो केस भले मेरे को बाद में हुआ मेरे ऊपर कांड मैंने पहले से ही कर लिया था तो कह सकते हैं कि कंडीशन एग्जिस्ट कर रही होगी अंडरस्टूड और नॉट कि कांड करूंगा तो केस तो होना ही होना है सीधी बात है अंडरस्टूड और नॉट थर्ड

बैंक क्रप्सी जिसकी खबर पहले से मिल चुकी थी डिटेक्शन फ्रॉड और, और एर का डिटेक्शन हुआ बैलेंस शीट डेट के बाद जबकि हो चुका है वो पहले से, ठीक है? अब नॉन एडजस्टिंग का एग्जाम्पल्स लेटिगेशन इनिशियटिव कब हुआ बैलेंस शीट डेट के बाद क्योंकि कांड कब किया बैलेंस शीट डेट के बाद इवेंट हुआ बैलेंस शीट के बाद यह मतलब क्या कांड हा नेक्स्ट नेचुरल नेचुरल डिजास्टर कब हुआ बैलेंस शीट के बाद हुआ हाँ डिक्लाइन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट डज नॉट प्रोवाइड एनी एविडेंस एक्जिस्टेड एट द बैलेंस शीट डेट क्लियर हाँ डाउट क्लियर मैडम पक्का यहां तक कोई तकलीफ कोई दिक्कत परेशानी पक्का समझ आ रहा है एस हाँ अब मुझे बताओ अभी तक तो, तो हमने आधा एस पढ़ लिया है इस एस का पर्पस क्या है कोई कोई अपनी लैंग्वेज में बता पाएगा इस एस का ऑब्जेक्टिव क्या है रिकॉर्ड करना ये पर्पस है इन्वेस्टर्स को शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रू एंड फेयर पोजीशन बताना पता चलना उसके लिए अगर कोई भी इवेंट इवन बैलेंस के बाद भी होता है तो उसको प्रॉपर तरीके से एडजस्ट या डिस्क्लोज करवाना बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं अल्टीमेट इंटेंशन है कि इन्वेस्टर को सब कुछ पता होना चाहिए अंडरस्टूड और नॉट क्लियर हुआ ओके okay. आपने ऑडिट में कुछ ऐसी बातें पढ़ी हैं क्या अभी तक से रिगार्डिंग कुछ आजी ah, क्या स्टार्ट ना ओके आपका एक पता नहीं कोई ऐसे भी है जिसका नाम है आफ्टर बैलेंस शीट डेट समथिंग कोई ऐसे है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग करके कोई है तो गूगल वूगल कर लो जो देखना बुक से देखना हो आई नो वो है कुछ ऐसा और मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट रॉन्ग आपका ये ए एस फोर आपको आगे चल के देखना रेफर करवाया जाएगा या यू कैन ऑल्सो रेफर इन ऑडिट आल्सो क्या बोला था एस फोर का नाम लिया था किस सेंस में नाम लिया था कब नाम लिया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिपोर्टिंग और इन सब में हुँ. क्या नाम है क्या ओके okay. <laughs> सही आपने लास्ट में वो बता दिया कि भाई देख लो डिस्क्लोजर दे दिया आपने कल को गालियां वालियां खा लो आप चलो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यार तुम लोगों को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने पहले ही बता दिया क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा एडजस्टिंग इवेंट बैलेंस शीट डेट पे क्या करना पड़ेगा एडजस्टिंग इवेंट का प्रोविजन बनाओ जिस असेट लाइब्रेड पे इफेक्ट पड़ रहा है उस अट लाइब्रेड को एडजस्ट करो नाम क्या है एडजस्टिंग इवेंट तो अट लाइब्रेड को जाके एडजस्ट करो रे समझ में आएगी नहीं जैसे वो आनंद वाला डेटर था मैंने जाके बैलेंस शीट डेट पे आनंद के डेटर्स को खत्म कर दिया एडजस्ट किया बोलो क्लियर हुआ कि नहीं अंडरस्टूड सेटलमेंट ऑफ लिटिगेशन पेप्सोडेंट कोलगेट कांड पहले हो चुका है बैलेंस शीट डेट के बाद जजमेंट आ गया जजमेंट आना तो सिर्फ एविडेंस था मेरे ऊपर केस फाइल हुआ था पांच करोड़ का पांच करोड़ देने पड़ेंगे तो थर्टी जून को एंट्री क्या करूंगा पेबल लाइब्रेड क्रिएट करनी पड़ेगी नहीं बोलो ना एडजस्टिंग इवेंट कहता है कि 31 मार्च को जिस भी असेट लाइब्रेटी पर इफेक्ट पड़ रहा है उस अट लाइब्रेटी का एडजस्टमेंट कर लो

चलिए एडजस्टिंग इवेंट टू एडजस्ट द अमाउंट ऑफ एसेट एंड लाइब्रेड रिकोग्नाइज इन द फाइनेंशियल ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आपका एसेट लाइब्रेडी दिख रहा है उसको एडजस्ट करो बोलो समझ में आया कि नहीं दूसरा या फिर या फिर टू रिकॉग्नाइज द आइटम्स दैट वॉज नॉट प्रीवियसली रिकॉग्नाइज मैं दोनों एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको आनंद वाला एग्जाम्पल याद है आपको क्या एग्जांपल था बैलेंस शीट डेट पर मेरे बैलेंस शीट डेट पर आनंद आठ करोड़ का डेटर दिख रहा था कि नहीं अब मैं उसी आनंद आठ करोड़ के डेटर को एडजस्ट करूंगा कि नहीं ये तो हो गई पॉइंट नंबर वन मैंने असेट को एडजस्ट कर दिया क्लियर है कि नहीं दूसरा एग्जांपल सेटलमेंट ऑफ लिटिगेशन पेप्सोर ने अपनी बैलेंस शीट डेट पर कोई भी लाइब्रेटी क्रिएट नहीं की हुई है बैलेंस शीट डेट पर बोलो रे पर पांच जुलाई को कोर्ट केस का जो जजमेंट था वो पेप्सोरेंट के अगेंस्ट आ गया और पांच करोड़ का कॉम्पनसेशन पेप्सोरेंट को बुक करना पड़ेगा तो सेकेंड वाला ला रिकॉर्ड करना रिक्नाइज नॉट तो मैंने बैलेंस शीट डेट पर कोई लाइब्रेड नहीं बनाई थी अब मुझे बनानी पड़ेगी क्या एंट्री करूंगा डेबिट टू कॉम्पनसेशन पेबल तो एडजस्टिंग इवेंट क्या बोलता है सर क्या बोलता है बैलेंस शीट डेट में कोई भी असेट लाइब्रिटी जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है अगर उस पर अफेक्ट हो रहा है तो उसको ठीक करो उसकी रिपेयरिंग करो और अगर बैलेंस शीट डेट पर कोई असेट लाइब्रिटी नहीं थी तो उसको रिकॉर्ड करो इवेंट के चक्कर में उसको रिकॉर्ड करो सिंपल है ऑलरेडी असेट लाइब्रिटी दिख रही है तो उसकी रिपेयरिंग करो नहीं दिख रही तो उसको क्रिएट करो नहीं आया समझ में आ? तो अच्छे से आप ट्रीटमेंट लिख पाओगे एग्जाम एग्जाम में एडजस्टिंग इवेंट के क्या ट्रीटमेंट होते हैं दो में से कोई एक ट्रीटमेंट होता है लिखा हुआ है दो में से कोई एक ट्रीटमेंट होता है बीच में और लिखा हुआ है बीच में और डला हुआ है दो में से कोई एक ट्रीटमेंट होता है क्या लिखा हुआ है ध्यान से अच्छे से पढ़ लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी असेटिलिटी दिख रही है अगर उस पर अफेक्ट हुआ है तो उसको एडजस्ट करो या तो फिर सेकंड पॉइंट Recognize मतलब, recognize मतलब, मतलब को को करो जो कि कि आपने पहले नहीं नहीं? नहीं किया था। दोनों को adjusting event बोलते adjustment बोलते हैं, हैं। है आया? ठीक एग्जांपल लॉस शुड बी अकाउंटेड और प्रोविजन शुड बी मेड या तो लॉस क्रिएट करो जैसे मैंने कॉम्पन का लॉस क्रिएट किया या तो मैंने आनंद के अगेंस्ट मैंने प्रोविजन क्रिएट किया बेडेड क्रिएट किया क्लियर हुआ कि नहीं नॉन एडजस्टिंग इवेंट का पढ़ो चलो क्या बोल रहा है शुड बी डिस्कलोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां पर बाय वे बायर नोट्स टू अकाउंट हां आगे क्या लिखा है नो एडजस्टमेंट इन अकाउंट्स इज रिक्वायर्ड कौन से अकाउंट में रिक्वायर्ड नहीं है इसको गलती से लोग इंटरप्रेट ये कर लेंगे कि इसका कभी एडजस्टमेंट होगा ही नहीं ऐसा नहीं लिखा है। Right कौन से अकाउंट में इसका एडजस्टमेंट रिक्वायर नहीं है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव हो रहे हैं तो इसके आगे मैं लिख दूँ इन डोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच आर अंडर अप्रूवल Clear. are. All right. Sometimes events occurring after the balance sheet date, which do not affect the figures stated in the financial statements would not normally require disclosure in the financial statements. ऑल दो दे मे बी ऑफ सच सिग्निफिकेंस दैट दे मे रिक्वायर डिस्कलोजर इन दिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी टू एनेबलर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू मेक प्रॉपर इवेल्युएशन एंड डिसीजन इसका मतलब मुझे कोई बता दे वापस से पढ़ लीजिए अच्छे से रिकॉर्ड की तो बात ही नहीं कर रहा वो कभी कभार ऐसा होता है कि कोई ऐसा ऐसा कुछ इफेक्ट है कोई ऐसा इवेंट है जिसको इवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी डिस्क्लोजर नहीं देना कोई रिक्वायर्ड है बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि देना पड़ेगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी रिपोर्ट में दे सकते अरे डायरेक्टर्स रिपोर्ट सुना है ना कि नहीं डायरेक्टर्स रिपोर्ट सुना है कि नहीं सुना है डायरेक्टर रिपोर्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट डायरेक्टर रिपोर्ट कहीं ना कहीं बोर्ड मीटिंग के बाद डायरेक्टर रिपोर्ट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ जाती है तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट डायरेक्टर रिपोर्ट भी आप उसका डिस्कलोजर सकते हो बोलो बेटा अंडरस्टूड और नॉट ऑल राइट चलो ये तो हो गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं चलो एक बार मैं आपको बोल रहा हूं जीरो से आप शुरू से जहां से शुरू हुआ था जहां से ये मीनिंग्स वगैरह शुरू हुए थे वहां से लेकर आप एक बार गोथ्रू कर लो दो मिनट में ऑलराइट? राइट right, फिर अपन आगे पढ़ेंगे गोथ्रू कर लो इंडिकेटर मतलब इंडिकेशन से अराइज होता है ये वर्ड कि कंडीशन एग्जिस्ट हुई बैलेंस शीट डेट के बाद जिसका हमें इंडिकेशन मिला कि ओके दैट वाज नॉट प्रीवियसली ऑन द बैलेंस शीट डेट वो बैलेंस शीट डेट पे पहले थी नहीं ये इंडिकेशन मिला देख लिया बोलिए देख लिया एक ब्रेक ले छोटा सा छोटा सा ब्रेक लेते हैं पांच मिनट का आ? मैं ये टॉपिक जब तक कंप्लीट नहीं होगा मैं तब तक नहीं उठूंगा फिर भले नौ बज जाए ठीक है अरे कुछ नहीं बचा रहे ये एक ही की, 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 एक ही पॉइंट बचा है बस यही दोस्ती यही प्यार हाँ चलो पांच मिनट का ब्रेक दे रहा हूं जल्दी जाओ टाइम को लेकर अभी मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा एक दो दिन रुक जा वही बोल रहा हूं ना अभी अभी तुम लोगों को डिक्लेयर हो गया क्या पक्का चलो ब्रेक लेते हैं ठीक है Okay. Uh चलिए वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस रहेंगे ए एस फोर के ऊपर लास्ट पॉइंट बचा हुआ है एंड द लास्ट पॉइंट इज अबाउट टू थिंग्स डिविडेंड एंड गोइंग कंसर्न दो बातें ऐसी इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर हमें बातें करनी है एक है डिविडेंड और एक है गोइंग कंसर्न चलिए डिविडेंट से शुरू करते हैं डिविडेंड कब डिक्लेयर होता है कोई बताएगा वेरी गुड डिविडेंड डिक्लेयर होता है एजीएम एजीएम कब होती है बैलेंस शीट के बाद बोल सकते हैं तो जो बैलेंस डेट के बाद एजीएम हो रही है और उस एजीएम में डिविडेंट डिक्लेयर हो रहा है तो वो जो डिविडेंड वो किस साल का हो रहा है डिक्लेयर लास्ट ईयर का हा ओके okay. डिविडेंड डिक्लेयर और डिविडेंट प्रपोज इन दोनों में फर्क क्या है

आपने सुना होगा एजीएम में शेयर होल्डर्स डिविडेंड को डिक्लेयर करते हैं परसेंटेज जो उनके सामने रखा जाता है वो बढ़ा नहीं सकते कम कर सकते हैं शेयर होल्डर्स है तो है, के द्वारा एजीएम में, में पर दोनों के दोनों एक्टिविटीज बैलेंस के बाद होती है दोनों की दोनों एक्टिविटीज बैलेंस शीट डेट के बाद होती है मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं तो मुझे बताइए डिविडेंड का डिक्लेयर होना इवेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट हुआ कि नहीं बोलिए डिविडेंड कब डिक्लेयर होता है बैलेंस शीट डेट के बाद क्योंकि डिविडेंड पिछले साल का डिक्लेयर हो रहा है ना मतलब पिछली जो बैलेंस शीट बन गई उसका डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं अपन तो कहना है बैलेंस शीट डेट टेल मी तो एस फोर कहता है कि यस ये जो डिविडेंड प्रपोज हुआ है बैलेंस शीट डेट के बाद ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है कौन सा इवेंट है नॉन एडजस्टिंग इवेंट है अब आप दिमाग लगाओ कि ये नॉन एडजस्टिंग कैसे हुआ लॉजिक क्या हुआ बोर्ड बोर्ड मीटिंग में करते हैं बोर्ड मीटिंग में प्रपोज करते हैं तो ये नॉन एडजस्टिंग कैसे हुआ नहीं नहीं मुझे तो मीनिंग के अकॉर्डिंग लेके जाइए डिविडेंड डिक्लेयर या, या प्रपोज कब हो रहा होगा जब कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया होगा प्रॉफिट प्रॉफिट जब कंपनी में प्रॉफिट होंगे तो ही तो कंपनी डिविडेंड देगी अगर कंपनी में प्रॉफिट ही नहीं होंगे तो क्या कंपनी डिफरेंट बांटेगी क्या अब प्रॉफिट कब मालूम पड़ेंगे जब तक बैलेंस शीट डेट ना खत्म हो जाए ना रे तो बैलेंस शीट डेट तक, तक कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारे प्रॉफिट कितने अच्छा बैलेंस शीट डेट पे भी बैलेंस शीट फाइनलाइज थोड़ी होती है इंसान इकतीस तारीख को बैठ के धंधा करेगा कि बैलेंस शीट बनाएगा बैलेंस शीट तो बाद में फाइनलाइज होगी ना समझ में आ रहा कि नहीं तो इसीलिए सिंस दैट वी डोंट नो अबाउट द रियल प्रॉफिट रियल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी एज ऑन बैलेंस शीट डेट दट द रीजन वी कैन से कंडीशन ऑफ डिक्लेयरिंग डिविडेंट और प्रॉज नॉट एक्टेड ऑन बैलेंस शीट डेट एंड डिविडेंट का डिक्लेयर होना इज नॉट एडजस्टिंग इवेंट डिविडेंट का डिक्लेयर होना इज नॉट एडजस्टिंग इवेंट तो अब बताओ अगर ये नॉट एडजस्टिंग इवेंट है तो इसका डिस्क्लोजर करना जरूरी है सिर्फ कि इसका एडजस्टमेंट करना जरूरी है डिस्क्लोजर और इसी बात को शेड्यूल थ्री ने शेड्यूल थ्री ने भी कंफर्म किया है कि यस yes, डिविडेंड जब कंपनी डिक्लेयर करेगी तो बैलेंस शीट में कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी दिखाई जाएगी उसको सिर्फ डिस्क्लोज किया जाएगा मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं मतलब एक ही आइटम के बारे में दो जगह अल, दो अलग अलग जगह एक चीज लिखी हुई है क्या लिखा हुआ है शेड्यूल थ्री कहता है कि जब भी डिवरेंट डिक्लेयर होगा बैलेंस शीट डेट के बाद तो आप बैलेंस शीट में उसको नहीं दिखाओगे आप उसको बैलेंस शीट के बाहर नोट मतलब कॉन्टेंजेंट लाइब्रेरी में दिखाओगे मतलब कहीं ना कहीं आप डिस्कलोज कर रहे हो और यही चीज को ए एस ने कंफर्म किया कि यस

आइए का डिटिक्लेट के बारे में पढ़ते हैं प्रपोज डिवरेंट क्या बोल रहे हैं नॉन एडजस्टिंग ठीक है प्रपोज डिवरेंट शैल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ लायबिलिटी एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड प्रपोज डिवरेंट आप रिपोर्टिंग पीरियड के एंड में लायबिलिटी बुक कौन से पीरियड की बात चल रही है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव हुए हैं उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप लायबिलिटी बुक

नॉन एडजस्टिंग डिविडेंड की एंट्री कब होती है बैलेंस शीट डेट पे की बैलेंस शीट डेट के बाद बैलेंस डेट के बाद बैलेंस शीट डेट के बैलेंस शीट डेट पे आप उसको क्या दिखाओगे कॉन्टेजेंट लाइब्रेरी अब मैंने आपको ये पढ़ा लिया ठीक है आपको आगे चल के जब मैं एक दूसरा कोई चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तब ये डिविडेंड की बातें आएंगी और मैं तब आपसे पूछूंगा कि मैंने आपको इस दिन क्या पढ़ाया था इस दिन मतलब आज के दिन क्या पढ़ाया था तो फिर मैं देखूंगा कि मेरे को कैसी कैसी शक्लें दिखती हैं, बता पाते हो कि नहीं बता पाते हो ठीक है गोइंग कंसर्न पे आते हैं तुम लोगों ने आज तक अपनी लाइफ में गोइंग कंसर्न को लेकर क्या पढ़ा है पहले ये बताओ गोइंग कंसर्न के बारे में तुमने क्या पढ़ा है तुम लोग क्या जानते हो और कोई ओके चलो जो आज नए नए बच्चे बैठे हैं उनके उनसे पूछते हैं बता भाई ये कौन बोल रहा है मैनेजमेंट ओके एस okay. वन कभी पढ़ा था पढ़ा था नाम सुना है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्शन देर आर थ्री फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्शंस कौन से सी जी ए सी स्टैंड फॉर कंसिस्टेंसी जी स्टैंड फॉर गोइंग कंसर्न ए स्टैंड फॉर अक्रूवल क्या होते हैं ये तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्शंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त शेयर होल्डर हमेशा करेगा कि कंपनी ने तो इन तीनों को फॉलो किया होगा क्या फॉलो किए होंगे कंपनी कंपनी ने कम्पनी ने कंसिस्टेंट बेसिस पर पॉलिसीज़ फॉलो की होंगी कंपनी ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं वो इस बेसिस पर बनाए कि एक बिजनेस चलता रहेगा उसी बेसिस पर बनाया गया मतलब शेयर होल्डर हमेशा मान के चलेगा कि बिजनेस तो चलता रहेगा बोलो और तीसरा कंपनी ने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अक्रूवल बेसिस पे बनाए होंगे जिसमें से एक होता है गोइंग कंसर्न हम जब भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं तो गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करने का मतलब होता है कि हमारा बिजनेस फोर्सिएबल फ्यूचर तक चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा अगर मैं ये ना मानू अरे छुन छोड़ तो सही। अगर मैं ये ना मानू सुनना ध्यान से मैं एक असेट लेके आया मशीन जिसका यूजफुल लाइफ है टेन ईयर्स आमतौर पर आप उसके ऊपर डेप्रिस लगाओगे टेन ईयर्स का हाँ अरे भाई डेप्रिसिएशन टेन ईयर का तो तभी लगाओगे ना जब तुम गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहे हो पर अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा बिजनेस अगले साल बंद होने वाला है तो तुम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन टेन ईयर का लगाओगे क्या तुम तो टू ईयर्स का लगाओगे ना आज का और अगले साल का बोलो ना रे समझ में आ रहा है कि नहीं क्लियर तो क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरीके से बनते हैं एक विथ गोइंग कंसर्न एक

बिजनेस बंद करने वाले हैं। आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं बोलो बेटा क्लियर ये तो था गोइंग कंसर्न के बारे में आई एम रियली सरप्राइज कि गोइंग कंसर्न को लेकर तुम लोगों को ज्यादा कुछ याद नहीं आ रहा ग्रुप वन वाला तुम लोगों को कुछ याद नहीं आ रहा एंड फ्रेंकली स्पीकिंग गोइंग कंसर्न को लेकर तुम्हारे ग्रुप वन में एक क्वेश्चन भी था

कितने लोग कितने लोग छोड़ के गए थे ग्रुप वन में आपने फ्रेमवर्क को देखा ही नहीं अच्छे से करो ऐसे की तरह क्यों करते हो हाँ अच्छे से करो एक दो तीन चार कितने लोग लो करके गए थे फ्रेमवर्क याद कुछ भी नहीं आ रहा ज्यादा नालायक तो तुम दोनों हुए <laughs> जो लोग पहले हाथ ऊपर किए थे उनका तो मैं समझ सकता हूं देखा ही नहीं उन्होंने इंपॉर्टेंस ही नहीं दी और बाकी लोग

लिटरली बोल रहा हूं मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि चलो देखा नहीं देखा कोई बात नहीं सचमुच बोल रहा हूं अगर टाइम निकाल सको 10 मिनट का आप प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं वो क्वेश्चन जरूर देखेगा आपकी खुद की नॉलेज एनहेंसमेंट के लिए बोल रहा हूं जाके देखिएगा आपको रियली में इतना मजा आएगा क्वेश्चन देख के कि बैलेंस शीट पी कैसे बनता है बिना गोइंग कंसर्न के यू विल बी सरप्राइज्ड यस कौन कौन सी चीजों को कैसे लिखा जाता है कि जब हम गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करते ना तो कैसे चीजों को लिखा जाता है वो क्वेश्चन बहुत शानदार है आप जाके देखेगा आप पांच मिनट दस मिनट का टाइम निकालिएगा जाके देखेगा। अच्छा क्वेश्चन है वो नहीं यही नहीं निकलेगा यहाँ बोल रहे यहां निकालू नहीं नहीं यहाँ यहाँ नहीं दिखा पाऊंगा यहाँ मेरे पास होगा भी तो नहीं दिखाऊंगा वो टाइम ले जाएगा इधर गोइंग कंसर्न की बात क्या कर रहा है अच्छा बैलेंस शीट डेट के बाद इवेंट हुआ एडजस्टिंग इवेंट हुआ तो बैलेंस शीट डेट पर एडजस्टमेंट दो नॉन एडजस्टिंग हुआ तो बैलेंस शीट डेट पर डिस्क्लोजर दो यही पड़ा तो बोलो यही पड़ा कि नहीं अब ये कह रहा है बैलेंस शीट डेट के बाद इवेंट हुआ नॉन एडजस्टिंग इवेंट हुआ नॉन एडजस्टिंग कोई टेंशन नहीं डिस्क्लोजर कर देते हैं पर वो इतना सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ कि उसने कंपनी के गोइंग कंसर्न को हिला दिया वो ऐसा सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ कि कंपनी सोचने पे मजबूर हो गई कि अब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम आगे शायद गोइंग कंसर्न के बेसिस पे बना ही नहीं पाएंगे सर एग्जांपल दे दो पूरी फैक्ट्री में आग लग गई कंपनी की एक ही फैक्ट्री थी पूरी फैक्ट्री में आग लग गई कंपनी को फाइनेंशियल क्रंच आ गया कंपनी वापस से उठ के खड़ी हो ही नहीं सकती दिस इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्योंकि फायर लगना बैलेंस डेट पे तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था कंडीशन पर फायर लगने से कंपनी को इतना नुकसान हो गया कि कंपनी का बिजनेस बंद करने की हालत आ चुकी है कंपनी का बिजनेस बंद होने की हालत आ चुकी है अंडरस्टूड और नॉट चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं

ऐसे ही होता था अरे वो पट्टी चलती थी हाँ पट्टी कब ऐसे पूरे टीवी गया, में बदल गई मालूम ही नहीं पड़ा ब्रेकिंग न्यूज में बदल गया वो ठीक है तो बेसिकली अगर अगर मान लो ये कोरोना मार्च तक कुछ पता ही नहीं था और अचानक जून जुलाई में आता जून जुलाई में आता जिसकी वजह से हमारे बिजनेस को हैवी इंपैक्ट पड़ के नुकसान हो चुका होता कोरोना के चक्कर में मैक्सिमम बिजनेस पर हैवी इंपैक्ट पड़ा पर मैं

बोलो बेटा पढ़ा होगा कि नहीं और अगर ये चीज लॉकडाउन मार्च के बाद लगती तो ये कौन सा इवेंट हुआ नॉन एडजस्टिंग बोलना रे क्या होता ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता नॉन एडजस्टिंग इवेंट होने से बिजनेसेस पर इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा और इतना हैवी इफेक्ट पड़ा कि लोगों के बिजनेसेस बंद होने लगे हां एएस4 कहता है कि देयर इज एन एक्सेप्शन अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट की वजह से तुम्हारे बिजनेस पर इफेक्ट पड़ने लगे तुम्हारे गोइंग कंसर्न गोइंक पर इफेक्ट पड़ने लगे तो उसको नॉन एडजस्टिंग मत मानो उसको एडजस्टिंग मानते हुए बैलेंस बैलेंस शीट शीट को एडजस्ट करो और बनाओ विदाउट गोइंग कंसर्न वाली आया समझ में कि नहीं yes, मैं तुम लोगों को इसीलिए कह रहा था कि वो जाके क्वेश्चन जरूर देखना कि कैसे बनाई जाती है बैलेंस शीट पेंडल विदाउट गोइंग कंसर्न वाली जब हम गोइंग कंसर्न से बैलेंस शीट बनाते हैं तो असेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाते हैं असेट्स को फेयर वैल्यू पे दिखाते हैं पर जब हम गोइंग कंसर्न से बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं तो हम असेट को दिखाते हैं रियलाइजेबल वैल्यू पे कि आज बेचने से पैसा कितना मिलेगा समझ में आ रही कि नहीं बोलो बेटा अरे क्लियर हो रहा था कि नहीं मान लो तुम किसी एक्सपेंस को डेफर एंड कर रहे हो चार साल में स हजार का खर्चा है डेफर एंड एमोटाइज कर रहा हो चार साल में मतलब पहले साल तुमने पच्चीस सो राइट ऑफ किया बाकी तुम बैलेंस शीट में दिखाओगे अरे एंड समझते होगी नहीं पर मैं तुम्हें बोलूँगी बैलेंस शीट बनानी है विदाउट गोइंग कंसर्न तो तुम बोलोगे सर कहा कि चार साल पूरा दस राइट ऑफ करो रे अभी अभी यही सब बातें उस क्वेश्चन में जाने दो क्वेश्चन वापस इस पे आते हैं क्या बोला गया है? अगर कोई नॉन एडजस्टिंग इवेंट कंपनी के गोइंग कंसर्न एजमशन को अफेक्ट करता है तो उस नॉन एडजस्टिंग इवेंट को नॉन एडजस्टिंग ना मानते हुए एडजस्टिंग मानेंगे और आप बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट करोगे समझ में आया कि नहीं पहले पढ़िए पढ़िए इसको सच नहीं है वो इवेंट एक्चुअली इवन हो गया है इवन नहीं है सच इवेंट इज एडजस्टिंग और नॉट मतलब किसी भी इवेंट के कारण कंपनी के गोइंग कंसर्न अजम्पशन पर इफेक्ट पड़ जाए या कंपनी ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि यस नाउ इट इज नो लॉन्गर टू टेक अजम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न नो लॉन्गर अप्रोप्रिएट टू टेक गोइंग कंसर्न चाहे फिर वो इवेंट नॉन एडजस्टिंग ही क्यों ना हो आपको असेट लाइबिटीज को एडजस्ट करना पड़ेगा इसका सिंपल एग्जाम्पल ये कि अगर फायर लगी मार्च के बाद और फायर लगने से एंटिटी को लगता है कि अब हमारे गोइंग कंसर्न पर क्वेश्चन आ रहा है रेज हो रहा है हम अपने बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे तो आप इसको फायर भले 31 मार्च के बाद लगी पर उस फायर के लगने से जितना भी नुकसान हुआ उस नुकसान को 31 मार्च को बुक करो समझ आया कि नहीं बोलो बेटा क्लियर इन दिस केस शुड बी एट रियलाइजेबल वैल्यू शुड बी एट सेटलमेंट वैल्यू मतलब एक्चुअल में कितना सेटलमेंट करना पड़ेगा भाई सीधी बात है ना वैसे मान लो आपका नाम क्या है मोहित मोहित मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में एज ए क्रेडिटर दिख रहा है एक लाख रुपए का मेरा गोइंग कंसर्न चल रहा है मैं मोहित को एक लाख रुपए दूंगा मैं दिखा रहा हूं एक लाख पर जैसे ही मैं बोलूं की मेरा वो कंसर्न नहीं है मतलब मेरा बिजनेस की हालत टाइट हो गई है मेरे पास ज्यादा सफिशियंट फंड नहीं है तो मैं क्या चाहूंगा मैं मोहित के साथ सेटलमेंट करूँ अस्सी हजार में मैं मोहित के साथ सेटलमेंट करूं कम से कम वैल्यू में तो माइड में मैं मोहित को एक लाख रुपए में ना दिखा के मैं कितना दिखाऊंगा एटी थाउजेंड समझ में आ रही कि नहीं

AS4 does not require any disclosure however AS requires the disclosure of the fact in case of going concern assumption is not followed AS4 में डिस्क्लोजर की बातें नहीं बोली गई है डायरेक्ट एडजस्टमेंट की बातें बोली गई है ठीक है इफ AS requires the disclosure of fact in case going concern assumption is not for ये तो AS1 वाला है याद है आपको फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन अगर आपने फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन को फॉलो किया है तो डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं होती अगर आपने फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन को फॉलो नहीं किया है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है समझ आ रहा है कि नहीं अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं yes. तो दिस वॉज दीज वार टू थिंग्स एक डिविडेंड वाला पॉइंट और एक गोइंग कंसर्न वाला पॉइंट यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया दिस वॉज योर ए एस फोर यहाँ पर आपका ए एस फोर खत्म होता है अब आते हैं चल। कहा चलो इधर हाँ क्वेश्चन फ्रॉम आईसीआई मॉड्यूल चलिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन है देखना कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है आठ क्वेश्चन तो आईसीआई मॉडल के हैं उसके बाद अदर रिसोर्सेस कुछ ओल्ड कोर्स पीएम से भी मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं टोटल इलेवेन है ठीक है चलिए आइए क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन सब लोग स्टार्ट हो जाओ अपना अपना पढ़ो मतलब इन कंपनी थेफ्ट ऑफ कैश रुपीज फाइव लैक वॉज बाय द कैशियर इन जनवरी मैंने थोड़ी देर पहले इसका डिस्कशन किया था आपसे किया था इन जनवरी वॉज डिटेक्टेड इन मे यार पहली लाइन से ही समझ में आ रहा है आंसर क्या होने वाला है क्या होने वाला है आंसर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड क्या होता है एडजस्टमेंट की नॉन एडजस्टेंट एडजस्टिंग इवेंट द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी वर नॉट येट द अकाउंट ऑफ द कंपनी वर नॉट येट अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स

क्या पूरे एस फोर को लिख के आओगे क्या छाप क्या आओगे क्या एस फोर की वो रेलिवेंट बात जो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में रेलिवेंट है बताओ कौन सी लिख के आओगे बात आप सबसे पहले एडजस्टिंग इवेंट की डेफिनेशन लिखोगे क्या डेफिनेशन है एडजस्टिंग इवेंट मींस द इवेंट्स दैट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कंडीशंस दैट एग्जिस्टेड ऑन बैलेंस शीट डेट कुछ याद आ रहा है

जाके देखो ना क्या लाइन लिखी हुई है जाके देखो आप रेलेवेंट पेज पे जाओ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जाओ क्या लिखा हुआ है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट टू एडजस्ट द अमाउंट ऑफ असेट्स रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर टू रिकॉग्नाइज द आइटम विच वॉज प्रीवियसली नॉट तो एक ये वाला प्रोविजन और इससे पहले वो डेफिनेशन वाला प्रोविजन बोले क्या होगा कि नहीं चलो तो ये तो हो गया आपका एस फोर का रिलेवेंट प्रोविजन हो गया ठीक है बोलो अब आप उसको लिंक करोगे केस स्टडी से केस स्टडी क्या क्या है केस स्टडी में क्या बोला गया कैशियर ने जनवरी में पांच लाख पांच लाख है ना हाँ फाइव लाख रुपीज का थेफ्ट कर दिया डिटेक्ट कब हुआ हाँ तो आप लिखोगे कि डिटेक्शन वॉज जस्ट एन एविडेंस डिटेक्शन डिटेक्शन इन मे रिगार्डिंग दिस फ्रॉड ऑफ डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड वॉज जस्ट एन

So, हमारा क्या डिसाइड हुआ जल्दी बताओ सबसे पहले क्या लिखोगे सबसे पहले प्रोविजन का एक हेडिंग डालेंगे दो चीजें एक definition और एक और और नहीं फिर आप उसको facts और conclusion लिखोगे फैक्ट्स क्या लिखोगे कि थेफ्ट इन मे सो देयरफॉर इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट इसको बोलते हैं लिंक करना क्वेश्चन से लिंक करके आप फैक्ट को लिखना अरे बोलो ना यार आप फैक्ट को क्वेश्चन से अपने प्रोविजन से लिंक करके दिखा रहे हो समझ में आ रहा है कि नहीं एंड देन व्हाट इज द कंक्लूजन सिंस इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट वी शुड रिकॉग्नाइज द दर लॉस ऑफ फाइल ऑन मार्च वी शुड बुक द लॉस बोलो यार चलिए अब आंसर पढ़ते हैं इन्होंने इन्होंने आंसर क्या लिखा है मैंने जितने आंसर लिखे हैं वो सब इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड लिखे हैं ठीक है ना क्या आंसर लिखा है आंसर पढ़िए सब एज पर एस फोर जेंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंसोरिंग आफ्टर द बैलेंस रिक्वायर एडजस्टमेंट टू बी रिपोर्टेड वैल्यूज ऑफ अंड लाइब्रिटीज एक्सपेज और इनकम इफ फ्रॉड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इज डिटेक्टेड आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट इज ने टू रिक्नाइज ऑफ फाइव लैक एंड एडजस्ट द अकाउंट ऑफ कंपनी फॉर दर अब आपको इसके आंसर में क्या कमी लग रही है प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखी इसने और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिखा अंडरस्टूड और नॉट फाइनल कंक्लूजन तो ठीक है अपनी जगह पर बोलो बेटा yes. तो इसमें साइड में लिख लो वी कैन राइट द डेफिनेशन एंड ट्रीटमेंट पार्ट सेपरेटली एडिशनली वी कैन राइट द डेफिनेशन एंड डेफिनेशन ऑफ एडजस्टिंग इवेंट एंड ट्रीटमेंट पार्ट एडिशनली इन दिस आंसर वो क्या सिंपल सी बात है अगर अप्रूवल होने के बाद डिटेक्ट होता तो तो बाद में ही वो एडजस्ट होता अभी भी तो एडजस्टिंग है अभी भी तो एडजस्टिंग है अगले साल पता है वो क्या बन जाता एरर और एरर की अकाउंटिंग होती है रिट्रोस्पेक्टिव वो हम पढ़ेंगे एस फाइव में अगले साल वो बन जाता अगर ये ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जर अगर अप्रूवल डेट के बाद अगर थेफ्ट डिटेक्ट होता तो 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 तुम्हारी गलती है तो तो एरर हुआ गलती मतलब मैनेजमेंट की एरर है तो मैनेजमेंट की एरर है तो इसको एरर मानते हुए हम इसको ठीक तो करेंगे पर इसको रिट्रोस्पेक्टिवली ठीक करेंगे और रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट के लिए एएस5 लगेगा एनीवेज छोड़ो पहला क्वेश्चन क्लियर है हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने अपने मन में पढ़िए सब लोग अपने पास पहले पढ़ के रखो सब एन अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड अ मेजर वेयरहाउस ऑफ एसीओ लिमिटेड ऑन ऑन डेट इंपॉर्टेंट है थ मे दाउंटिंग मतलब इवेंट तो हुआ है इवेंट क्या हुआ है कि नहीं क्या इवेंट है अर्थ प्विक ठीक है अकाउंट वॉर अप्रूव ऑन थर्टी सिक्स लॉस फ्रॉम अर्थ प्विक बोलो रे स्टेट विथ रीजन आपको रीजन के सहित आपको बताना है कि ये एक लॉस जो है वो एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है और हाउ द फैक्ट ऑफ लॉस इज टू बी डिस्कलोज हा अब आप आंसर करिए क्या है? हाँ? ये ये नॉन एडजस्टिंग है वेरी गुड चलो तो नॉन एडजस्टिंग की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी बोलो डेफिनेशन बोलो नॉन एडजस्टिंग इवेंट इज एन इवेंट विच इज इंडिकेटिव ऑफ कंडीशन कंडीशन कब आई हुई दैट अरोज आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड हा स शीट डेट ये भी लाइन लिखी हुई थी वही डेफिनेशन में तुम लोग हाँ हाँ कर रहे ऑलरेडी लिखा हुआ है पढ़ो डेफिनेशन पढ़ो ना क्या है? बार बार रेफर करोगे तो ही तो याद होगा ना बच्चा बोलता है सर आपका क्या है आप तो पढ़ा पढ़ा के रट चुके हो हमें हाँ थोड़ी जैसा एक बार में रट रहा है तो मैंने वही सोचा ठीक है आप बार बार जाके पढ़ो आप भी बार बार जाके पढ़ो बार बार क्वेश्चन को रेफर करके बार बार जाके पढ़ो तो तो रटा होगा ना जाइए क्या लिखा है सब लोग चिल्ला के बोलेंगे पूरी डेफिनेशन बोलो वेरी गुड उसके बाद भी कुछ लिखा हुआ है वेरी गुड इंटायरियर न्यू इवेंट अराइज आफ्टर द शीट डेट क्लियर है कि नहीं इतना सब कुछ लिखा हुआ है हम वहां पर इसी लैंग्वेज को तोड़ मड़ो के अगर लिख के आते हैं तो हमारे मार्क्स कटते हैं कुछ नहीं है है ना हमारे मार्क्स इसी में कटते हैं नॉट क्लियर है कि नहीं सो right. so ये अच्छा वापस क्वेश्चन के उस उसपे आते हैं कंक्लूजन पे आते हैं ये इवेंट कौन सा इवेंट है पॉइंट नंबर वन नॉन एडजस्टिंग तो डेफिनेशन किसकी आएगी नॉन एडजस्टिंग की अरे बोलो ना ठीक है ना नॉन एडजस्टिंग इवेंट का ट्रीटमेंट क्या होता है डिस्क्लोजर डिस्कलोजर किसमें में वेरी गुड चलो बट 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 अब इससे जुड़ा हुआ मैं आपको एक और चीज़ बताता हूं. ये अर्थ को एक हुआ तो जैसे ही ऐसे वाले question कभी भी आए तो इसको link कर देना going concern वाले point से थोड़ी देर पहले going concern वाला वाला पढ़ा था जाओ. Going concern वाला point क्या था जाओ क्या बैलेंस शीट डेट के बाद अगर किसी इवेंट के कारण मैनेजमेंट को ये ये लगे देयर इज नो लॉन्गर अप्रोप्रियट टू कंसर्न अजम्पन तो वो इवेंट चाहे एडजस्टिंग हो चाहे वो नॉन एडजस्टिंग हो हमेशा आप उसका असेट एंड लाइबिलिटी का एडजस्टमेंट दिखाएंगे बोलो बेटा तो अब आप उस पॉइंट को लिंक करोगे यहां कि इस अर्थ को के कारण अगर मैनेजमेंट के गोइंग कंसर्न एस्टिमेशन पर इफेक्ट पड़ता है एंड मैनेजमेंट थिंक्स दैट इट इज नो लॉन्गर अप्रोप्रिएट टू टेक गोइंग कंसर्न तो ऐसे केस में ऐसे केस में क्या करेंगे हम अपने पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्टिंग मानते हुए अपन री uh, एस्टि uh, फिर से बनाएंगे एडजस्टिंग इवेंट मानते हुए समझ में आया कि नहीं बोलिए ना बेटा क्लियर yeah. तो जब भी ऐसे फायर अर्थ को एक वाले ना, इनको वाले से लिंक कर दिया करो हाँ सर मैंने सुन लिया मुझे यह बात याद रहेगी और हमेशा याद रहेगी सर मैं नहीं भी लिखूंगा ना तो भी याद रहेगी सर और उस टाइम में बोलूंगा काश मैं लिख लेता कि सर ने क्या बोला था अब कुछ बच्चे यहां पर सर ने अभी क्या बोला क्या लिखना था जब भी अर्थ को एक फायर डिस्ट्रॉय टाइप के क्वेश्चन आए तो उसको गोइंग कंसन वाले पॉइंट से भी लिंक किया जाए उसमें गोइंग कंसन वाला ट्रीटमेंट गोइंग कंसन वाला प्रोविजन भी आंसर में लिखा जाए

डिस्ट्रक्शन ऑफ वियर हाउस अब देखिए यहां पहला स्टेटमेंट वॉज अ प्रोविजन आंसर का पहला स्टेटमेंट क्या है प्रोविजन पर आंसर का दूसरा स्टेटमेंट इज अ फैक्ट इज फैक्ट केस स्टडी का फैक्ट क्या है फैक्ट ये है कि जब भी वेयर हाउस का डिस्ट्रॉय होगा ड्यू टू अर्थक्वेक डिड नॉट एग्जिस्ट ऑन द बैलेंस शीट देर फोर लॉस अकर्ड ऑन अर्थक्वेक इज नॉट टू बी रिकॉग्नाइज तो जो दूसरा स्टेटमेंट है इज अ फैक्ट एंड कंक्लूजन मतलब उसने एक ही पैराग्राफ में डेफिनेशन भी लिख दिया और एक ही पैराग्राफ में कंक्लूड भी कर दिया ये गलत है कहीं ना कहीं आप पॉइंट वाइज जाइए आपको आपके आंसर्स को पॉइंट वाइज रखना है याद रखना इट इज ऑलवेज बेटर टू प्रोवाइड पॉइंट वाइज आंसर रादर पैराग्राफ वाइज उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं चेक करने वाले को आसान पड़ता है चेक करना बहुत उसको छोटे छोटे पॉइंटर्स दिखेंगे तो उसको आसान पड़ेगा Understood or not? However, according to the standard, unusual changes affecting the existence or substratum of the enterprise of after the balance sheet date may indicate a need to consider the use of fundamental accounting assumptions of going concern. As per the information given in the question, earthquake has caused major destruction. Therefore, fundamental accounting assumption of going concern is called upon.

नहीं वे नॉट वैलिड नहीं ये फिर गलत ये ना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हो जाएगा मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि कभी भी ना ऐसे केस में आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दो ही मत आप ये लिख आओ कि हाउ एवर इट इज नो लॉन्गर अप्रोप्रिएट टू टेक द ऑफ गोइंग कंसर्न बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ड्यू टू अर्थक्वेक मैनेजमेंट कैन वर्ड यूज करो आप मे कैन आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मत दो क्योंकि तो आपको क्या पता कि आपका आंसर सही है इससे बेहतर है कि आप चेकर को यह बोल क्या देखो मेरे को दोनों बातें पता है समझ में आ रहा है कि नहीं सो मैनेजमेंट में प्रोवाइड दिस थर्टी लाख रुपीज लॉस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन विदाउट गोइंग कंसर्न और नॉट बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं लिखा है ना ऊपर ऊपर लिखा स्टार्टिंग में लिख दिया ये वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट है मुंह मत बनाओ अभी अपने को कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करने आप मुंह बनाओगे बाउंसर्स जाएंगे पेपर में मुझे याद करोगे चार लोग गालियाँ देंगे चार लोग अपने आप का सिर पीटेंगे और अल्टीमेटली फिर आगे पढ़ना शुरू कर दोगे तो वो भी क्यों करो मुंह मत बनाओ एक्सेप्ट करके चलो कि हाँ प्रताड़ित होना है प्रताड़ित किया जा रहा है और प्रताड़ित होंगे कोई ऑप्शन नहीं है इधर उसको उस, उसके बाल खींच लेना दो <laughs> मैंने नहीं बोला अपनी रिस्क पे मेरे तेरे को तमाचा पढ़े कितने पढ़े मत में <laughs> चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन थर्ड वाला क्वेश्चन ओ मैडम उठो उठो क्वेश्चन पढ़ो नहीं नहीं मजा ही नहीं आ रहा है बलवान आवाज ये पहले मास्क उतारो सबसे पहले तो ये नाम का मास्क लगा के रखा है तुम लोगों ने क्लास में बेचारा ने ये अकेला रखा के रखा है बाकी तो ऐसे रखते हो हाँ बलवान आवाज में बिल्कुल लड़कों वाली आशा आवाज में अच्छे से नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। टेक थ्री <laughs> तुम मुझे परेशान करते हो तुम्हारी शक्ल देख के मैं परेशान हो जाता हूं अब मैं भी परेशान करूंगा तुम लोगों को अरे मजा ही नहीं आ रहा है वो एक फील नहीं आ रहा है रुक रुक जाओ रुप जाओ सब लोग चुप हाँ अच्छे से बोलो थी 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 था 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 था। एक सेकेंड डेटर वर्ड आ गया कहीं ना कहीं डेटर वो आनंद वाला एग्जाम्पल ठीक है चलो आगे बढ़ो ठीक है बैठ जाओ क्वेश्चन का कहता है पंद्रह लाख रुपए मुझे रिकवर करने है से. क्या हैं हाँ चांसेस अच्छे हैं क्या हमने लीगल शूट करके रखा है उसके ऊपर बोलो चांसेस ऑफ रिकवरी बाय लीगल सूट आर नॉट गुड एज पर लीगल ओपिनियन बाय द काउंसिल बोलो बेटा पढ़िए सब लोग आंसर पढ़िए क्या आंसर है तो <laughs> तुमसे ना हो पाएगा वो अलग अलग आगे पीछे चल रहा हो मैं पढ़ रहा हूं एज पर एस फोर कॉन्टिंजेंसी एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट असेट्स एंड लाइबिलिटीज शुड बी एडजस्टेड फॉर द इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट दैट प्रोवाइड एडिशनल एविडेंस

कैटेगरी में आता है कि हाँ भाई डेटर का दे दिया डेटर पहले से ही दिख रहा है कि उसके चांसेस बहुत कम है तो आपने उसको एडजस्टिंग मान के प्रोविजन बना दिया समझ में आ रहा है कि नहीं चलो क्वेश्चन नंबर आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका होमवर्क रहेगा अच्छा ट्रंप बुक में मैंने होमवर्क क्वेश्चन क्लास प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग नहीं रखे है हाँ ना मैंने जैसे अपने जो चैप्टर्स वाले बुक होती है क्लास वर्क में उसमें अपने अलग अलग रखे ना भाई ट्रम्प बुक में मैंने अलग नहीं रखे तो ट्रंप में मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको होमवर्क रखना है क्वेश्चन नंबर टेन पे आओ क्वेश्चन नंबर टेन पढ़ना है सब लोग ध्यान से पढ़ रहे हो कि नहीं एग्रीमेंट किस चीज का है सब Of property property. Of property. तुम सरदार खुश हो जाएगा <laughs> हाँ, sale of immoral... अच्छा उसने एग्रीमेंट कर दिया कि मैं अपनी इमोल प्रॉपर्टी को बेचूंगा जो प्रॉपर्टी मेरे बैलेंस शीट में दिख रही है कितने की दिख रही है बेचूंगा कितने में ठीक है आगे पढ़ बेटा वेरी गुड एग्रीमेंट कब हुआ एग्रीमेंट हुआ अट्ठाइस 28 फरवरी को कि मैं आपको तो बेचूंगा ठीक है है आगे बढ़ सेल सेल डीड डीड रजिस्टर्ड वेरी गुड दो रजिस्टर क्या होता प्रॉपर्टी जब खरीदते तो रजिस्ट्री करवानी पड़ती है अपने नाम पे रजिस्ट्रार ऑफिस जाना पड़ता है आ, तो अमिताभ ने अमिताभ ने प्रॉपर्टी सेल करने का एग्रीमेंट कब बना लिया था 28 फरवरी। बट जिस व्यक्ति को सेल किया था मतलब बायर बायर के नाम पे ये एसेट कब हुई फर्स्ट मे तो क्या अमिताभ ये बोलेगा क्या कि यार बायर के नाम पे तो फर्स्ट मे को हुआ ना मतलब फर्स्ट मे से पहले तो मैं ऑनर था लीगल तो मैं ये जो सेल मानूंगा ये फर्स्ट मे को मानूंगा बोलिए क्या अमिताभ को अपनी इकतीस मार्च की बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी दिखानी चाहिए या फिर सेल कर सेल करके हटानी चाहिए मतलब मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं मतलब बैलेंस शीट डेट में प्रॉपर्टी एज अ बैलेंस शीट दिखे असेट दिखेगी कि असेट दिख के सेल की एंट्री दिख के असेट हट जाएगी क्या होना चाहिए असेट हट जाएगी ये एक एडजस्टिंग इवेंट है रजिस्ट्री 31 मार्च के बाद हुई है उससे क्या फर्क पड़ता है आप एक सेकेंड आपने रियल लाइफ में सुना होगा लोग तो रजिस्ट्री सालों सालों तक नहीं करवाते प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं सालों तक रजिस्ट्री नहीं करवाते पैसा बचाने के लिए है सुनाए है कि नहीं सुनाए भाई प्रॉपर्टी खरीद ली रजिस्ट्री नहीं करवाई बाद में करवा लेंगे बोलो बेटा पोजिशन तो चला गया पैसे तो अमिताभ लिमिटेड को मिल चुके होंगे बोलो अरे

और कोई सब्सटेंस मतलब सब्सटेंस मतलब सच्चाई एस फॉर सब्सटेंस एस फॉर सच्चाई मतलब रियलिटी सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म सब्सटेंस ऊपर है लीगलिटी नीचे है लीगल फॉर्म मतलब पेपर ऑन पेपर सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म कायदे से 31 तारीख को लीगल फॉर्म के अकॉर्डिंग ये किसके नाम पर है अमिताभ के नाम पर है बोलो ना यार पर अमिताभ तो 28 फरवरी को ही सेल कर चुका है तो सच्चाई क्या है सच्चाई ये है कि आप उसका ओनर नहीं है जबकि लीगल फॉर्म ये है कि अमिताभ इसका स्टिल ओनर है तो आप किसको अप्लाई करोगे सब्सटेंस को लीगल फॉर्म को सब्सटेंस को सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म दिल को देखो चेहरा ना देखो दिल है सच्चा चेहरा झूठा। दिल मतलब सब्सटेंस अंदर का दिल को देखो चेहरा ना देखो दिल क्या दिल मतलब अंदर का दिल सच्चाई सब्सटेंस चेहरा मतलब लीगल फॉर्म सामने लीगल फॉर्म तो दिल को देखो चेहरा मत देखो दिल है सच्चा चेहरा जूठा चेहरे ने तो लाखों को लूटा हा? चलो पढ़ो आंसर पढ़ो खुद से पढ़ो एक ही वो कोरम में नहीं हो पाता है अपने से ठीक है ना पढ़ो अंदर ही अंदर पढ़ो अपने आप देख रहे हो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए सब में ये पहला वाला पैराग्राफ वो छाप रहा है एक ही लाइन एक ही जैसी लाइन छाप रहा है छाप रहा है कि नहीं तो अपना भी यही फंडा है सीधा सीधा अपने को सबसे पहले प्रोविजन छापना है प्रोविजन के नीचे ट्रीटमेंट छापना है प्रोविजन मतलब प्रोविजन के की डेफिनेशन छापना है और ट्रीटमेंट छापना है और उसके बाद अपने को फाइनल फैक्ट के साथ कंक्लूजन बताना है फैक्ट को कनेक्ट करके फैक्ट मतलब क्वेश्चन को कनेक्ट करके क्वेश्चन को कनेक्ट करते हुए आपको कंक्लूजन देना है समझ रहे हो कि नहीं आप थ्योरी वाले एएस एस में मतलब ये थ्योरी वाले क्वेश्चंस में आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे उतनी आपकी लिखने की प्रैक्टिस आपकी समझने की प्रैक्टिस स्ट्रांग होगी और नॉट क्वेश्चन नंबर टेन क्लियर है हा? कैसे चेहरे बना ले तो यार मतलब बिल्कुल प्लीज सर, सर उससे क्या हो जाएगा मैडम <laughs> मेरे को मेरा बच्चा धार्मिक सोनी नहीं देता भाई मेरी लाइफ ऐसी हो गई है अभी कि अभी कि मैं घर पहुंचता हूं मैं बैग रखता हूं और मेरी वाइफ मेरे को जब तुम्हारे हवाले वतन साथी हूं <laughs> मेरी वाइफ मेरे को ऐसे देती है तुम्हारे हवाले अब तू जा जो करना है कर इस बच्चे के साथ ऐसा होता है और उसके बाद मेरे को उसको संभालना है मेरे को उसको खिलाना है पिलाना है वो सब होता है <laughs> नहीं लग रहा दिमाग क्या आ? आप एक काम करेंगे आ? नहीं सुनो ना आप एक काम करिएगा कितने क्वेश्चन अब बच गए ग्यारह में से चार हो गए ना हाँ बाकी क्वेश्चन एटलीस्ट रीड करके आओगे क्या जितने ज्यादा हो सके रीड करके आओगे क्या सर हाँ हाँ करके आएंगे आप तो हम बोल रहे पर हम करके नहीं आएंगे सर हम आपको बोलते हैं पर हम करके नहीं आएंगे एनीवेज बाकी क्वेश्चंस आप जितना हो सके बाकी क्वेश्चंस आप जितना हो सके प्लीज मैं कोई लिमिट नहीं दे रहा हूं आप जितना हो सके प्लीज रीड करके आइए नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करके खत्म करके ए एस शुरू करेंगे ठीक है ना नेक्स्ट क्लास में भी ए एस ही रहेगा ठीक ए ही रहेगा ठीक है ऑल राइट चलिए Compiler. नहीं compiler. दिमाग नहीं चलता आठ बजे के बाद बड़ लगते पता नहीं जवानी फसल रही है कंप्लायर हाँ कंप्लायर बेटा अभी मत लेके आओ चलो छोड़ो मत लेके आओ तुम कंप्लायर हाँ ठीक है कोई बात नहीं कितने पेजेस का है वो पांच सौ पेजेस का तो कंप्लायर है हाँ ठीक है कोई बात नहीं मत लेके आओ ठीक है अभी मतलब बिल्कुल बिल्कुल अभी अभी कंपाइलर मत बाद में अभी बुक ही चलेगी और कॉपी चलेगी ए एस की कॉपी सेपरेट तो बनाओगे ना ए एस की सेपरेट कॉपी बनाओगे कि नहीं पक्का एस की सेपरेट कॉपी बनाओ तुम सब में से जिसकी कॉपी मुझे सबसे बेस्ट लगी उसको मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा क्लास के एंड में <laughs> तुम लोग कैसे हो गए हो रहे? मतलब पहले का एक जमाना होता था कि हाँ टीचर ने बोला गिफ्ट मिलेगा मतलब थोड़ा सा शाबाशी देगा वो हमारे लिए काफी अब तुम सब सब आईफोन और ये सब. मिल कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा गिफ्ट के अकॉर्डिंग काम करोगे क्या करूं जॉर्डन जॉर्डन अरे नहीं नहीं मैंने नाम नहीं सुना मैं तो दूंगा भैया तुम लोग खुद ही छुट्टी बोल रहे हो कर लोगे ना पार्टी अपने हिसाब से चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स बाय बाय जय माता दी अल्लाह हाफिज